अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आज सुबह। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि मौसम हर जगह डिफरेंट सा है, तब्दीली आ रही है। और इस तब्दीली को सामने रखते हुए, तब्दीली हर तरह की आ रही है, वो सियासी मौसम भी है, वो आपका माशरती मौसम भी है, वो आपका ओवरऑल मौसम भी है। तो हमारे जो मौसमी असरात हम पर हैं उसको सामने रखते हुए आज के प्रोग्राम को हमने तरतीब दिया है। उसके बारे में मैं आपको बता भी देती हूँ। आपको पता है कि शुरुआत में रेसिपी होती है और उसके बाद आज से दोबारा हम अपने उस सेगमेंट की शुरुआत कर रहे हैं रमज़ान के बाद और ईद के बाद, जब डॉक्टर बिल्कीस हमारे साथ मौजूद हुआ करती हैं। वो हमसे टोटके शेयर करती हैं, वो हमसे बहुत सी बातें, बहुत सी रेमेडीज़ शेयर करती हैं। तो अब से कुछ देर बाद डॉक्टर बिल्कीस हमारे साथ होंगी। टॉपिक क्या होगा, क्या वो आज आपको बताने वाली हैं, या मैं आज आपको ये भी ऑप्शन दे रही हूँ कि आप रैंडमली भी उनसे कोई सवाल कर सकते हैं। 9:30 के आसपास आप डॉक्टर बिल्कीस से मुलाकात करेंगे और फिर उसके बाद आज दुनिया भर में हेपेटाइटिस डे के हवाले से अवेयरनेस कैंपेन्स की जा रही हैं। ये दिन मनाया जा रहा है और मैं अभी पढ़ रही थी कि कोई 20 लोगों को पता होता है, 100 में से 20 लोगों को, कि हमें हेपेटाइटिस हो गया है, ये वायरल इन्फेक्शन हो गया है। लेकिन उन 100 में से कोई एक ही होता है जिसे प्रॉपर मेडिकेशन मिलती है या प्रॉपर फैसिलिटी मिलती है कि वो अपने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। तो आज हम इस हवाले ज़रूर बात करना चाहते हैं क्योंकि पहले हम सिर्फ ये सुनते थे यरकान, और हम ये सुन लेते थे कि जॉन्डिस की या यरकान की एक फॉर्म है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए बी सी डी। अब इसमें कुछ ऐसे हेपेटाइटिस हैं जो क्योरेबल नहीं है, कुछ ऐसा हेपेटाइटिस है जो वायरल इन्फेक्शन है, वो क्योर हो जाता है। हेपेटाइटिस फिर अगर बहुत बिगड़ जाए तो आपके लिवर को इतना इन्फेक्टेड कर देता है कि लिवर ट्रांसप्लांटेशन की भी अल्लाह माफ़ करे ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसे लोगों को हमने अपने अपनों में भी देखा है, जानने वालों में भी देखा है, रिश्तेदारों में भी देखा है, और आज डॉक्टर बिल्कीस होंगी मौजूद। तो ये जो जिगर की प्रॉब्लम है जिससे हेपेटाइटिस जन्म लेता है, इस हवाले से भी मैं कोशिश करूँगी कि उनसे ज़रूर बात करें। आपका कोई सवाल हो आप भी कर सकते हैं, ये बहुत अहम टॉपिक है। हम हर चीज़ के बारे में टेलीविजन्स पर बात कर रहे होते हैं, अपने गिर्दोनवा के बारे में बात कर रहे होते हैं, मगर अपनी सेहत को अक्सर निगलेक्ट कर देते हैं। तो आज मेरे पास, आपके पास एक चांस है कि हम इस बारे में भी, या इस बीमारी के बारे में भी बात करें, क्योंकि ये साइलेंट किलर है। कभी कभी तो इसके बारे में उस वक्त पता चलता है जब बिल्कुल ही आप, अब कोई इलाज मुमकिन नहीं हो पाता, ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं। लेकिन अब कितनी तब्दीली आ गई है इसके बारे में जब मेहमान आएंगे तो वो बात करेंगे। एंड इसके अलावा भी एक सब्जेक्ट है जिस पर मैं आगे बात करना चाहूँगी, और वो है स्कूल फ़ी के हवाले से। दोबारा स्कूल खुल रहे हैं और माँ बाप को नोटिफिकेशन आ चुके हैं कि इस साल दोबारा फ़ी कितने फ़ीसद बढ़ जाएगी, तो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो यमी चीज़ें किचन में बन रही होती हैं उनको देखते हैं। आइए, मुलायजा फरमाइए, किचन में चलते हैं। किचन में क्या है शेफ इकबाल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ, आप बताइए। बस परफेक्ट, ठीक ठाक। आज बना रहे हैं चिकन मस्टर्ड साते। मस्टर्ड साते? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट इज साते? साते इज अ इंडोनेशियन डिश रेसिपी। अच्छा, ठीक है। और ये शाशली की तरह होती है लेकिन बहुत मजेदार। इसके बारे में बनाया जाता है। ओके। इसका अपना मजा, खाने में बहुत आसान, बनाने में आसान और जायकेदार होती है। अरे वाह, और साथ में ये अमेजिंग चीज, ये जो है ग्रिल पैन। हाँ, yes, ग्रिल पैन, ये बहुत इन हो गया है, आराम से मिल जाता है, आप भी ले सकते हैं और घर में चीजें ग्रिल करके खा सकते हैं, डाइट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और बाकी चलते हैं रेसिपी की जानिब। आप अच्छी लग रही हैं, आप सबका सलाम। so अच्छा, आपने कहा कि बच्चों की स्कूल की फी के हवाले से बात चल रही है, इस हवाले से एक लाइन थी मेरे जहन में कि माँ बाप ने क्या सोच कर पाले बच्चे। माँ बाप ने क्या सोच कर पाले बच्चे और हालात ने क्या कर डाले बच्चे। घर मिल जाता और रोजगार इनको तो कभी ना तोड़े ताले ये बच्चे। अरे वाह, क्या बात है, वेरी नाइस, बड़ी अच्छी चीज आपने कही। तो ये हम आगे जरूर डिस्कस करेंगे। आज का सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या मुश्किल वक्त पर मर्द जल्दी घबरा जाते हैं या खवातीन? ये ट्रिकी सवाल है क्योंकि हम कहते हैं कि पेशेंस लेवल खवातीन का बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर अमूमन बात की जाती है तो ये समझा जाता है कि नहीं जी, खवातीन जो है हाथ पैर छोड़ देती हैं। मगर रियलिटी में आज ज़रा थोड़ा सा रियलिटी चेक करें और देखें कि चाहे वो घर में आप हस्बैंड वाइफ हों, बहन भाई हों, या और आप किसी रिलेशनशिप में हैं,
किसका आपको लगता है कि कौन जल्दी घबरा जाता है मुश्किल सिचुएशन में, कौन अपने ऊपर कंट्रोल रखता है, कंपोज रहता है और कौन जल्दी घबराता है, इसके बारे में आज आपने हमें बताना है। कॉल करके नंबर स्क्रीन पर मौजूद है 0213-222-7022 एंड 0213-222-7055। मेरे साथ साथ ये नंबर आप लोग बोलना शुरू कर दें ताकि वैसे भी याद हो जाए, है ना। कल से आपका टेस्ट है, कल से मैं बोलूंगी तो आपको मेरे साथ बोलना होगा। नंबर याद नहीं होते, ये बहुत आसान है। 0213 तो शुरू में होता ही है, 222-7022-7055। अच्छा, ये इसकी रेसिपी तो आप बताएंगे हमें, साथ में जो आलू हैं इनके साथ आप क्या करने वाले हैं? आलू वैसे बहुत मजेदार, आलू खट्टे, आलू बहुत मजे के बनते हैं। ओके, जो मेमन कम्युनिटी में भी काफी लोग बनाते हैं, लेकिन अलग तरह की रेसिपी, लेकिन काफी मजे के। अच्छा, तो खट्टे आलू अलग बनेंगे? यस, खटास वैसे ही आपके दिल को कितना ललचाती है, इसका अपना एक मजे का जायका। अच्छा, लेकिन उससे पहले चिकन मस्टर्ड साथ है। हाँ, बताइए। इसके लिए देख लीजिए जनाब, किस चिकन था बोनलेस, इसकी हमने इस तरह से लंबाई में काट लिया था। कोशिश कीजिए इसकी कटिंग वैसे रखिए कि जितना आपके स्कीवर का साइज है, इसमें आसानी से आप इसकी इसके अंदर डाल सके हम। ठीक है, इसमें मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग में सबसे पहले सॉल्ट, जहाँ से जायके की इब्तिदा हुई, और नमक के बाद सफेद मिर्च। हाँ, ठीक है, इसका भी अपना बहुत मजे का जायका जनाब। ठीक है, हल्की सी लाल मिर्च पिसी हुई, वैसे पेपरिका पाउडर डाला जाता है लेकिन हमारी लाल मिर्च भी काफी है इसके लिए। ठीक है, ठीक है, लाल मिर्च के बाद अदरक लहसुन पिसा हुआ लगभग एक चाय का चम्मच। हाँ, और जल्दी से डाल लीजिए बाकी स्पाइसेस, फिर कॉलर से बात करें। सोया सॉस और मस्टर्ड, 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 मस्टर्ड पेस्ट। ओके, 1 टेबल स्पून आप मिलकर बात कीजिए। ठीक है, तो ये तमाम चीजें आप इसको थोड़ी देर रखेंगे इस तरह ही? हाँ बिल्कुल, इसको मैरिनेट। ठीक है, हमारे साथ कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। और हमारे साथ कराची से। जी एहसन साहब, फरमाइए। जी हाँ, अच्छा आवाज आपकी थोड़ी डिस्टर्ब है। जी आपने बड़ा अच्छा टॉपिक रखा है। पहली बात तो ये कि सच्ची बात है, आजकल जो है ना मर्द ज्यादा घबरा रहे हैं और औरतें बड़ी कंपोज्ड और बड़ी कॉन्फिडेंट हैं। अच्छा, और लेकिन पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब ये मैंने देखा है। असल में होता ये कि मुश्किलात या परेशानियां या बीमारियां मसाइल तो होते हैं, लेकिन वही लोग कामयाब रहते हैं जो कंपोज रहते हैं और अपनी स्ट्रेंथ को सस्टेन मेंटेन करते हैं, बरकरार रखते हैं, घबराते नहीं है। क्योंकि ऐसी वैसे बाकी कामयाबी एंड में उन्हीं की होती है, ज़हनी हालत है वो भी सही होती है सोचने समझने की, और वो बेहतर फैसले बेहतर अंदाज में इत्मीनान के साथ कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए एक अच्छा रूटीन होना जरूरी है। अगर आपका डेली रूटीन एक अच्छा है और आपको किसी भी सूरत में उसको डिस्टर्ब नहीं करते, तो फिर आप दीगर चीजों को फेस कर लेते हैं। जहाँ आपने रूटीन छोड़ दिया और उस मुसीबत को अपने ऊपर मसलत कर लिया मसले को, तो फिर आप ढह जाते हैं, फिर वो नहीं हो पाता। लेकिन यह जवाब यह है आप सवाल का कि आजकल ये चीज मैंने कहा खवातीन बहुत ज्यादा है, वो कॉन्फिडेंट के साथ हर चीज को फेस कर लेती हैं, और जो नजर आ रहा है बाजार आजकल वो मर्द इतना नहीं कर पाते, वो थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। हमारे साथ तारिक साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। हाँ जी, तो मुश्किल वक्त में कौन घबरा जाता है, खवातीन या मर्द? जी माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा टॉपिक रखा है, तो मुश्किल वक्त में मेरे हिसाब से खवातीन ज्यादा घबराती है। अच्छा, खवातीन ज्यादा घबरा जाती हैं। अच्छा, मर्द तो उस बात को हैंडल कर लेते हैं काम काज के ऊपर अभी। लेकिन हमारे पहले कॉलर ने कहा हसन साहब ने कि आजकल जो है खवातीन बड़ी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई है और सिचुएशन को संभाल लेती है। बस वो हर किसी की अपनी सोच है, किसी को लगता है कि खवातीन घबरा जाती हैं, किसी को लगता है कि मर्द घबराते हैं, हर किसी की अपनी सिचुएशन होती है। लेकिन आपको अगर खुदा न खास्ता कोई परेशानी हो तो आप उसे खुद ही हैंडल कर लेते हैं? जी जी, अल्लाह फजल दे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। कॉलर्स हमें ये भी बताएं कि कोई मुश्किल सिचुएशन होती है, अगर आपको अपने बारे में लगता है कि आप हाथ पैर नहीं छोड़ देते, आप कॉन्फिडेंट रहते हैं, तो ये आप करते कैसे? सही बात, ये भी बताएं ना, सही बात, आप सही कैसे बात। करते हैं? आई थिंक जो बिगेस्ट रीजन खौफ होता है, कहते हैं ना कि अंधेरे में हो रोशनी से डरते हो, नाकाम हो कामयाबी से डरते हो, खौफ, डरो डरो तब कोई काम नहीं कर सकते आप। हाँ। चाहे जितनी भी ड्राइविंग सीख लिया आपके हाथ कांपने लगेंगे। हाँ। आप जितनी भी कुकिंग सीख लिया आपसे डिश अच्छी नहीं बनेगी दुनिया का कोई काम, अगर डर आपके अंदर है, डर है, डर खौफ ना हो तो आई थिंक
खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। हाँ, डर खौफ ना हो, एतकाद हो, और वही बात है ना कि अल्लाह ताला सबर करने वालों के साथ है। तो हाँ, जब कोई ऐसी बात होती है तो मैं भी यही सोचती हूँ कि चलो सबर करते हैं, लेट्स सी, चीजें बेहतर हो जाएंगी। हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम राहिला। वालेकुम अस्सलाम, मैं सब कैसी हैं आप जी? मैं ठीक ठाक, आप बताइए। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं फर्स्ट टाइम किसी प्रोग्राम में कॉल कर रही हूँ। अच्छा, हेपेटाइटिस के ऊपर। जी जी जी, मेरा बेटा जब 8 दिन का था, अभी 3 साल का है मेरा बेटा। अच्छा, वो जब 8 दिन का था उसको हेपेटाइटिस हुआ था, तो वो मैं धूप दिखाने के चक्कर में उसका ब्लू रिबिन 45 हो गया। अच्छा। उसका ब्लड भी ट्रांसप्लांट हुआ, और बच्चा मेरा बहुत बीमार रहा, अब वो चलता फिरता भी नहीं है। तो मैं लोगों को ये आगाही दें आप के ना, ये धूप के चक्कर में ना पड़े लोग, सबसे पहले डॉक्टर को दिखाया करें। अब मेरा बच्चा मैं देखती हूँ, उसके लिए मुझे फिजियोथेरेपी करवानी पड़ती है, बड़ी मुश्किल लाइफ गुजर रही है। उसको हुआ था हेपेटाइटिस जी। अच्छा, ये जो आम बच्चों को जॉन्डिस होता है पैदाइश पे, वो नहीं था? नहीं, वही था, लेकिन वो ज्यादा हद से ज्यादा बढ़ गया था। अच्छा, खराब हो गया था। ठीक, धूप दिखा दें, धूप दिखा दें इस चक्कर में। तो आपको डॉक्टर ने उस वक्त क्या कहा था कि धूप नहीं दिखानी है? नहीं, डॉक्टर से मशवरा नहीं किया, हल्की सी धूप दिखा दें आप, सही हो जाएगा। अच्छा, लेकिन जब 8वें दिन वो इतना बीमार हुआ कि आगा खान में वो 13-14 दिन एडमिट रहा जी, तो अब मेरा बच्चा चलता फिरता बिल्कुल भी नहीं है। अब वो फिजियोथेरेपी ही इसका इलाज है अभी तक, और कुछ भी नहीं है। चले, अल्लाह ताला उसे शिफा दे। आप मेहनत कर रही हैं, और आपने बड़ी अच्छी नीयत से कॉल किया कि लोगों को पता चले। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे और उसे सेहत याब करे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। लेकिन ये बात है, देखिए इनकी बात में अब आगे क्या प्रॉब्लम रही कि बच्चा आज तक चल नहीं पाया। मगर ये जो आपस के टोटके होते हैं ना, और जो आपस की बातें होती हैं कि ये कर लो, ऐसा कर लो, ये दे दो, धूप दिखा दो, धूप दिखाते ही हैं कहा जाता है छोटे बच्चे को। लेकिन चीज़ों को थोड़ा माँ बाप पे छोड़ें, और थोड़ा साइंटिफिकली या जिस तरह डॉक्टर आपको बता रहे हैं, जिस तरह एक्सपर्ट बता रहे हैं, उस तरह लेकर चलें, वरना ऐसी सिचुएशन हो सकती है। हाँ, अब आपने इसको पिरोना शुरू कर दिया। यस यस, बिल्कुल। हाँ, क्या बात है आपकी, पिरोना। अच्छा, शुरू कर दिया चिकन को। इसके वर्ग के अंदर देखिए इसका अपना एक मजा। साथ ही यहाँ ये पॉट रेडी है जनाब। ठीक है, अच्छा ग्रिल पॉट की बात करते हैं, इसको ठंडे में आपने कभी शामिल नहीं करना, चाहे स्टेक बनाए, शास्त्री के तमाम चीजों में आपने इस पैन को अच्छी तरह से गर्म करना। अगर तेल ही डालना है तो क्या फायदा फिर? तो क्या मतलब, दूध डाले? नहीं ना, मतलब जब ग्रिल पैन है तो बस डायरेक्ट ग्रिल करें। अच्छा, इसका ये अच्छा अब बता दिया आपने। हाँ। अगर ये ना करना चाहे ना आप, हाँ, तो ये जो मैरिनेशन है ना जी, इसी के अंदर आपने ऑयल ऐड किया, इसी के अंदर आपने लगभग ऑयल ऐड ही क्यों किया? अगर नहीं करना है मुझे ऐड, तो फिर क्या करूं मैं, ये बताएं। देखिए, एक तो फ्रैंक 3 तरह की, एक तो डीप फ्राई जिसमें इतना बिल्कुल डूब जाती है, दूसरी शैलो फ्राई, एक नाम पैन फ्राई करें, सिर्फ इतना ऑयल को सरफेस पे लगने से बस। ओके, ठीक है, और बहुत ज्यादा ना डालें आप बेशक। ठीक है, ठीक है, इस तरह बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका अच्छा भी है, जो टिक्के बनते हैं, टिक्के जो काले हो जाते हैं, तो काला ना, उसलिए क्या करते हैं, उसके अंदर ऑयल शामिल किया जाता है। अच्छा, इसी में ऑयल शामिल कर दें और उसको रख दें? यस। अगर ऑलिव ऑयल शामिल कर दें? ऑलिव ऑयल बेस्ट है, ठीक है, आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है, जरूर कर सकते हैं आप, थोड़ा सा शामिल कर दें कि वो ग्रीजी रहे और आपको प्रॉब्लम नहीं हो। यस यस, बिल्कुल डेफिनेटली आप कर सकते हैं। यस यस, एंड वी हैव कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, रेहान बात कर रहा हूँ कराची से। जी रेहान साहब, मैं ये सिर्फ अर्ज करना चाह रहा हूँ कि देखें, आपने बात की है खवातीन और मर्दों के दरमियान कॉन्फिडेंस की, मुश्किल के वक्त में कौन ज्यादा परेशान होता है। हाँ जी। बात ये है कि मर्द जो है उस बेचारे को तो फेस करना ही करना है हर हाँ। हाल में, जो बाहर के मसले हैं, बिजली का मसला है, चाहे मुश्किल है, परेशानी है, खवातीन के दरमियान ये हो सकता है कि हाँ आप ये चेक करें कि कितनी परसेंट खवातीन जो है वो परेशान होती हैं, और कितनी परसेंट जो है वो खवातीन परेशान नहीं होती, कॉन्फिडेंस अपना लेवल लूज नहीं करती। जी जी जी। तो लिहाजा मर्द के सिलसिले में तो मैं यही कहूँगा कि वो बेचारा लूज कर भी जाए तो बर्दाश्त होती नहीं करना है, बिल तो उसी को भरना है जाके। हाँ, ज्यादातर सिचुएशंस में बिल्कुल सही बात है रेहान साहब, आपने सही कहा कि ज्यादातर सिचुएशंस में तो यही होता है, और बाहर की सिचुएशन में क्या, आदमी ने तो हैंडल करना ही करना है, एंड में उसी के ऊपर आता है। बिल्कुल, एंड ऑफ द डे तो वो बेचारा उसी के करता है। सेकंडली एक चीज मैं और करना चाह रहा था, ये खाने की जो आप तरकीबें बताते हैं, कुछ ऐसी चीजें भी बता दिया करें छड़े लोगों के लिए कि जिन बेचारे बैचलर्स हैं या जो बेचारे अकेले कहीं हैं, उनको खाना पकाना आसानी से, वो दाल पका लें, गोश्त पका लें, कोई सी चीज़। अच्छा, ये हमने बताया भी था, मेरे ख्याल में रेगुलरली आप लोग देख नहीं पाते हैं या कोई ऐसी वजह है।
हमने बहुत हम बहुत आसान आसान चीजें भी बनाते हैं और ये जो आज भी बना रहे हैं ना ये बहुत आसान है, ये आप अकेले बना सकते हैं, अकेले खा भी सकते हैं, आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन आपने जिस तरह कहा तो हम कोई दाल ऐसी बना दीजिएगा ना। अच्छा, जरूर, जरूर जरूर ठीक है, कोई दाल बना लेंगे। बहुत शुक्रिया रेहान साहब। वी हैव अनदर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। इकबाल साहब, इकबाल साहब है ये ढंग से एक कराची वाले बराबर में खड़े हैं जी। बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। हेलो जी इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, ये मौजू के हवाले से बात करनी है। हाँ जी कीजिए कीजिए इकबाल साहब, क्या कहना चाहते हैं? बड़ी दुआएं दे दी इकबाल साहब ने सलामती की हमें माशाल्लाह से। इकबाल साहब हमें आपकी आवाज आ रही है, जो दिल में है वो बोल दीजिए कि औरतें ज्यादा मुश्किल वक्त में घबराती हैं या मर्द। ओके कोई बात नहीं, आप दोबारा हमें कॉल कीजिएगा। एक ब्रेक ले लेते हैं प्लीज। आज वैसे आप ब्रेक लेना, मैं देखना चाहती हूँ इतनी देखा कैसे रेडी हुए। हाँ चले चले चले, गुड गुड। अच्छा बिल्कुल, यहाँ आज सब ग्रेट नुसरत जी के शो में मौजूद रहते हैं ब्रेक इस बात के साथ के दूर रहकर भी अलविदा ना कहना, यादों में रहना, लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, और हमारे साथ शेफ इकबाल यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत मजेदार चिकन बना रहे हैं। यस बिल्कुल, और ये तैयार चिकन मस्टर्ड, चिकन मस्टर्ड साथ है जनाब। एक साइड से जैसे ब्राउन हो चुकी है उसको आपने फ्लिप करना है, दूसरी साइड से नाइस एंड ब्राउन होगी। और से बहुत ज्यादा कुक नहीं करना, मतलब लाइक ये 6 से 7 मिनट बहुत मजेदार गल चुकी होगी, काफी टेम्पटिंग है। और किसी भी सॉस, केचप या अपनी ग्रीन चटनी के साथ भी पेश कर सकते हैं। सही है, और ये आलूओं को भी तो बना लें क्योंकि टाइम हमारे पास। जी जी बिल्कुल, आलू भी करते हैं तैयार, बाकी सीखों को यहाँ इसमें शामिल करते हैं। अच्छा आलू को तो आपने बस मिक्स ही करना है, आई थिंक इजी है, तो आपको कुछ बनाना नहीं है, कुछ पकाना नहीं है। नहीं कुक नहीं करना, आलू कुक नहीं करना है। ठीक है, मगर आलू की रेसिपीज हमेशा बड़ी ही फेवरेट और फेमस रहती हैं, बड़ी अच्छी होती हैं, जल्दी बन जाती हैं, सबको यमी लगती हैं। आज का हमारा सवाल है, क्या मुश्किल वक्त पर खवातीन जल्दी परेशान हो जाती हैं या मर्द? सही बात। हाँ तो भाई आपने क्या कहा था? मैंने अपने ऊपर है, हो सकता है। अच्छा कुछ चीजों में खवातीन बहुत अच्छा कर लेती है, कुछ वैसे ये पर्सन टू पर्सन वेरी कहता है, आप सही कह रहे हैं कि कुछ लोग बहुत खवातीन जो है वो बहुत में ठहराव होता है, और कुछ मर्द हजरात ऐसे होते हैं जैसे हमारे एक भाई ने कहा कि भाई एंड में तो आदमियों पे ही पड़ती है तो हमें ही करना पड़ता है, तो हम ही सिचुएशन को हैंडल करते हैं। वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही फरमा रहे थे। सही बात, लेकिन घर की तरबियत भी होता है, अगर किसी के अंदर खौफ डर नहीं है तो आई थिंक वो आसानी से फेस कर लेता है। वैसे खौफ डर ना होना तो जिंदगी के और मामलात में भी, जब आप कोई अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं, आप और चीजें कर रहे होते हैं, रिस्क फैक्टर तो हर जगह है। जहाँ रिस्क नहीं है, जहाँ डर नहीं है और आपने उसे ओवरकम नहीं किया, वहाँ आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं कर सकते। अगर आप लोगों की सक्सेस स्टोरीज पढ़ें जिन्होंने दुनिया में बहुत कुछ किया होगा, तो उनका उन्होंने रिस्क बहुत लिए होंगे। सही बात है, सही तो बात वो है। जो रिस्की फैसले होते हैं ना कभी कभी वो बड़ा पे ऑफ करते हैं। सही बात, करने पड़ते हैं, लेकिन ये है कि रिस्की फैसला भी सोच समझ के करें, देखभाल के करें। ऐसा ना हो कि बस ये सोच लिया कि रिस्की फैसला करने में कोई फायदा, ये तो कर लिया, उसको हर तरीके से नाप तोल के फिर। सही बात है, सही बात है। बाकी गिरने से नहीं डरना चाहिए, नहीं कहते ना गिर गए तो क्या हुआ, गिरता वही है जो चलता है, बस इतना सा करना है, उठकर फिर से चलना है। आपकी बज़्म कब आ रही है वैसे? है? शायरी की किताब कब आ रही है आपकी? बज़्म इकबाल बताएं, सोच नहीं रहे आप इस बारे में? नहीं अभी फिलहाल नहीं। अच्छा आपके किस सब्जेक्ट में जब आप स्कूल में थे तो अच्छे मार्क्स आते थे? किसी में भी नहीं, बहुत निकम्मा था। अच्छा बाकी? हाँ हाँ, मुझे पढ़ने का कुछ ना शौक नहीं था, लेकिन ये कि फिर हाँ I'm like a self educated। अच्छा फिर बाद में बुक्स वगैरह मतलब पढ़ना और इस तरह। अच्छा बाद में ख्याल आया? बिल्कुल, उस टाइम देखो नहीं था इतना, बस स्पोर्ट्स खेल कूद इसी तरह मतलब। अच्छा लेकिन अच्छी बात है कि आपने ये रियलाइज किया, और आप किताब पढ़ते हैं और आप शेर व शायरी भी करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, और आपको याद भी रहती है। मुझे तो याद नहीं रहता कोई एक दो शेर ही जो बहुत ही इनकलाबी होंगे, जिसका मैं इंटरेस्ट की बात होती है, बहुत से लोगों होंगे वो याद रहते हैं। एक आंटी थी, इनको कोई कल परसों की बात याद ना रहती, उसको उनको ये याद था उन्होंने अपनी शादी में कौन सी किस कलर का ड्रेस पहना था, तो इंटरेस्ट के ऊपर भी होता है, जिसको शौक होता है फिर आपको याद रहता है। बस है ना, इन्होंने बहुत लोगों के साथ रिसर्च की है, इनको पता है कि किसको क्या याद रहता है ना। हर एक अपना बाजूकल, मुझे ये याद नहीं रहता मैंने कल क्या बनाया और कल मैंने मेरी जिसमें मैंने आज का पुलाव बताया था। हाँ लेकिन आज बना रहे हैं साथ ही, याद नहीं। वैसे ऐसे क्यों किया आपने? क्या आज आपने पुलाव क्यों नहीं बनाया?
नहीं वो मेन्यू में ये था ना, साथे था ना चिकन मस्टर्ड साथे में, तो पुलाव भी फरमाइश थी ना, पुलाव तो कल बनाएंगे इंशाल्लाह फ्राइडे को, बहुत मजे। मगर जो कल इन्होंने गुलाब जामुन बनाई थी वो इतनी आसान थी, इतनी हैवी थी और बहुत मजे की थी। हैवी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो बिल्कुल खोया था, प्योर खोया ही था उसमें, और वो बहुत मजे की थी, लेकिन बहुत ही मजे की थी। थैंक यू सो मच। उसका अपनी खुशी जब अपने हाथों से बनाते हो, जब एक किलो से 4.5 किलो गुलाब जामुन, तो उसका अपना एक किलो खोया था ना वो, वो हाफ केजी था, हाफ केजी से आप कोई 2.25 किलो तैयार कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने बड़ी अच्छी 2.25 केजी तो नहीं बनाई आपने गुलाब जामुन, खैर कल ये बाकी वो शफीक जी के हवाले था ना। हमने 1 केजी बना लिया। जरा मैं अभी उनसे पूछती हूँ कहाँ गई गुलाब जामुन, क्या घर में तल तल के निकाल के है शीरे में डाल के इंजॉय हुई। यस। अच्छा ये आलू के सैलेड है जनाब, एक जर्मन पोटैटो सैलेड भी इसी तरह बनाया जाता है, लेकिन आज खट्टे आलू बना रहे हैं जी के, जो काफी मजे के। आलू को बॉईल कर लिया था। हमेशा कोशिश कीजिए आलू को कभी भी, वो ग्रेट खवातीन देख रही है पाकिस्तान के बर्न में कहीं भी, आप कभी भी काट कर बॉईल ना करें। ओके, ऐसे ही बॉईल कर लीजिए और उसके बाद छिलका भी बाद में उतारें। फिर छिलका उतारें आप, दुनिया भर में होटल में। इसकी वजह क्या है? देखिए वैसे काट कर आप बॉइल करते हैं, एक्स्ट्रा पानी आलू एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से इसका जायका नहीं रहता, इसका वो मजा भी नहीं रहता। इस तरह बनाए इसका अपना एक बहुत ऑसम सा फ्लेवर होगा तैयार। ठीक है, आइए भाई। ठीक है, उसके बाद इसके आपने क्यूब्स काट लेने। क्यूब्स हो गए, जस्ट चाहे मर्जी आप काट लीजिए। ओके, और साथ ही यहाँ साथे देखिए जनाब, कुछ ही देर में बहुत मजे की, चूल्हा तेज तो और अच्छा बन जाता है और जूसी है। जब आप बाइट लेंगे किसी भी सॉस के अंदर डिप करके, इसका अपना मजा। इधर खूब तेल जो है वो उछल रहा है। हाँ। लेकिन कल आपने जो एक डिप बताया था, बल्कि आपने और हमारे साथ शेफ फहमीदा भी थी, वो बड़ा अच्छे था कि केचप मायोनीज और कुटी हुई लाल मिर्च और विनेगर, विनेगर डाल दें, नमक डाल, हल्का सा क्रश आप गार्लिक ऐड कर लें और ऑरिगैनो ऐड कर सकते हैं, वो एक अच्छा सा डिप बन जाता है, बहुत अच्छा। बेजल तुलसी के पत्ते अब ऐड कर सकते हैं, बहुत मजे का जायका। ठीक है, और हमारे साथ उस्मान साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम जी। उस्मान साहब क्या कहेंगे, मुश्किल वक्त में खवातीन ज्यादा परेशान होती हैं या मर्द? जी मेरे ख्याल में खवातीन ज्यादा परेशान हो जाती हैं। और जी हेलो, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। अच्छा जी, कल मैंने कॉल मिलाई थी, कल मिली नहीं थी, और माशाल्लाह आप बड़ी अच्छी लग रही हैं, पहले से काफी अच्छी हो गई हैं। अच्छा, आपका शो मैं बहुत करता देखता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई। और मुझे वैसे आप लोगों की बहुत मोहब्बत है, आप लोग तारीफ करते हैं, लेकिन मुझे हमेशा मेरा दिल चाहता है अगर कोई मुझसे पूछे, मैं चाहती हूँ आप कंटेंट के बारे में बताएं, आप शो के बारे में बताएं, आप उसमें होने वाली बातों के बारे में बताएं। इंसान तो अच्छा बुरा होता ही रहता है, तो वो, लेकिन उसमें आप लोगों की दुआओं की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, तो ये हाँ आलू हो चुके हैं, बिल्कुल आलू काट चुके हैं, आलू को करना है। अच्छा, एक जमाना था जब मुझसे सीनियर एंकर्स शो किया करती थी, मैं वीकली शो करती थी, तो जब मैं कभी उनके शोज देखती थी, मॉर्निंग शोज वगैरह या रेगुलर शोज, तो मुझे कुछ अरसे बाद ही महसूस होने लगा कि वो भी अपने ऊपर कमेंट इतना मज़ा नहीं आता था उनको, यानी लोग तारीफ करते थे आपके कपड़े अच्छे लग रहे हैं, आप अच्छी लग रही हैं, वो तो ज़्यादा मज़ा नहीं आता था। सही बात। उस वक्त मुझे ये बात समझ नहीं आती थी, मगर टाइम के साथ साथ मुझे समझ आया कि ऑब्वियसली हम सब तैयार होते हैं, सब कुछ होता है, अच्छे भी लग रहे होते हैं, सही भी लग रहे होते हैं, किसी दिन बहुत अच्छे नहीं भी लग रहे होते, बट द बेसिक जो फोकस है ना वो हमारा शो है, और उसकी जो खुशी होती है ना, ये सिर्फ मेरी नहीं, ये और भी एंकर्स हैं, हमारी फ्रेटर्निटी के लोग हैं, चाहे वो करंट अफेयर कर रहे हो, मॉर्निंग शो कर रहे हो, बाकी चीज़ें कर रहे हो, अच्छा लगना तो एक चले एक इसका पार्ट हो सकता है, मगर हम ये चाहते हैं कि जब आप हमारे साथ कनेक्टेड हों, तो जो इतनी मेहनत की होती है ना, हमारे पीछे भी 10,000 लोगों ने, सही बात, उनकी मेहनत के बारे में बात की जाए, उस टॉपिक के बारे में बात की जाए, उन मेहमानों से बात की जाए, इस वक्त का फायदा उठाया जाए, तो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड कि बाकी चीजें चलें, आप दुआओं में याद रखें, ये बड़ी मोहब्बत है आप लोगों की। ओपरा विनफ्रे दुनिया की समझ लें कि बेस्ट होस्ट कहा जाता है, वो अगर पाकिस्तान में होती तो शायद उनको चांस ही ना मिलता, क्योंकि वो काली थी, यहाँ तो पहले रंग देखा जाता है, पहले तो उनकी है ना। हाँ, सही बात है। ओपरा विनफ्रे देख ले, विल स्मिथ देख ले, जिनकी कोई शक्ल इतनी अच्छी ना थी, शायद अमिताभ बच्चन होते स्टार्टिंग में याद है, शायद उनको भी शाहरुख खान को भी नहीं मिला था, उनको भी नहीं मिलता, उनको भी नहीं मिला था। और यहाँ पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे एंकर्स हैं अभी
जो बहुत बड़े एंकर्स हैं और जो जिनकी रेटिंग्स इतनी आती हैं कि आपको हम क्या बताएं। लेकिन उन्होंने भी जब मैं स्टेट चैनल पे काम करती थी तो आके एक दफा मेरे शो में कहा था कि हमें तो घुसने भी नहीं देते थे चैनल के अंदर। सही बात। तो दिस इज योर वर्क, दिस इज योर टैलेंट विच शोज। नहीं, आपने बहुत ग्रेट बात की, बजाय इसकी कब कैसे दिख रहे हैं, काम को देखना चाहिए। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ये सिर्फ ऐसी, मतलब मैं कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रही हूँ, ये मेरी एक सोच है जो मैं चाहती हूँ कि हम सब में इनकलकेट होनी चाहिए और हर लेवल पर होनी चाहिए। सिर्फ टीवी प्रेजेंटर्स के लिए नहीं, हम कोई और काम भी कर रहे हैं ना अपनी जिंदगी में, तो उसमें हम उस काम की बेहतरी के हवाले से ज्यादा सोचें, या अपनी पर्सनैलिटी में भी, अपनी पर्सनैलिटी की ओवरऑल ग्रूमिंग के बारे में ज्यादा सोचें। मुझे आज भी लगता है वैसे इकबाल के मेरी पढ़ाई में थोड़ी सी चीजें रह गई हैं, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं, और मैं दिसंबर में एक खास चीज में एडमिशन भी लेने वाली हूँ, सोचा है मैंने, तो वो बस कुछ करना है मुझे, जब वो हो जाएगा तो बताना, पढ़ाई के हवाले से ही है। तो वो चीज़ें इंसान को होनी चाहिए और आपको सोचते रहनी चाहिए, क्योंकि आपकी लर्निंग होती रहती है। यस यस बिल्कुल, लर्निंग की हमें बड़ी जरूरत है वैसे पाकिस्तान में। सही बात, हम सबको सही बात। अच्छा शाश, ये स्कीवर हमारे चिकन मस्टर्ड साथे हो चुके हैं जनाब, काफी मजे के। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप रख नहीं सकते, ये एज इट इज आप खाने का मजा, ज्यादा रखेंगे तो ड्राई हो जाए स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा मस्टर्ड साथे में ये लोग बाहर इंडोनेशिया में पीनट सॉस डालते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ पर इमली का पल्प मौजूद है, हल्का सा जिनको पसंद हो। हाँ। और से एक इमली की चटनी बहुत मजेदार बनती है, आप चाहे दुनिया का बेस्ट बारबेक्यू बना लेकिन इमली की चटनी अच्छी ना हो तो उसको मजा नहीं आता, इसका अपना एक मजा। तो हल्का सा इस तरह भी ट्राई कर सकते हैं, देखिए आप। ठीक है, इमली की चटनी से बहुत मजे का खटास, इसकी काफी मजे की होती है, अपनी मर्जी के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं इस तरह। ओके, और ये खटास भी आप ऐड कीजिए। और आलूओं के बारे में बताइए, डॉक्टर बिल्किस हमारे सामने मौजूद हैं, उन्हें भी यहाँ मधु करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इतना प्यारा ब्लू कलर आपने पहना है, मैंने सुना है कि ब्लू कलर जब लोग पहनते हैं तो उनके ऑरा जो क्रिएट होता है वो बहुत जबरदस्त होता है। देखें जी, ऑरा देखें आप कैसा क्रिएट हो। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप बताइए कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैंने बड़ा मिस किया आपको, इतने दिन आप गायब थी, बस रहने में आप, ये तो लिप सर्विस थी, मैंने नहीं 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 मैंने आपको, हालांकि मैं खुद भी सैली ट्रांसमिशन में थी लेकिन घर आके आपका देखती थी। अरे थैंक यू, आज मिस्ट्रेस ने क्या पहना है, कौन से गेस्ट बुलाए हैं, आप लोगों की बहुत मोहब्बत है। और हम, मुझे कभी मौका मिलता था तो मैं आपको इफ्तार में देखती थी और आप बहुत सी अच्छी चीजें बना रही होती थी। और बात वही है कि आपकी अच्छाई या आपकी जो मुफीद बातें हैं वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, बस ये बात। और तब्दीली तो होती रहती है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, और मोहब्बत इतनी है लोगों की आपके साथ के बस फिर आपको कभी कोई बुला लेता है, कभी कोई कभी कोई। अच्छा, आज जो है डॉक्टर बिल्किस हम फोकस कर रहे हैं किस पर? आज हम थोड़े से ओबेसिटी यानी मोटापे के दो तीन चाय बनाना बताऊंगी, और हेपेटाइटिस डे है तो उसके हवाले से भी बताऊंगी कि क्या चीज़ें लीवर फ्रेंडली हैं, क्या चीज़ें खानी चाहिए, किस तरह आप बच सकते हैं, तो एक जिनको हो चुका है वो क्या करें, बच सकते हैं, ये भी एक है कि बचा कैसे। हाँ, प्रिवेंशन इज बेटर, प्रिवेंशन भी बताएंगे। बिल्कुल, तो प्रिवेंशन पे बात करेंगे। और हमारी एक कॉलर आई थी, मुझे बड़ा दिल को लगी उनकी बात कि बच्चा छोटा था, धूप दिखाई, उसको हेपेटाइटिस था, वो बिगड़ गया और आज 3 साल का उनका बच्चा हो गया है, वो चल नहीं सकता। देखिए नुसरत, मैं ये बात इतनी दफा कर चुकी हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, हम बाद में करेंगे। सही, अच्छा यहाँ पर डिश आउट हमारी ये हो गई है चिकन, और आपने आलूओं में क्या क्या मिला लिया है जल्दी से बता दो। बिल्कुल, चिकन हो चुकी है तैयार, से निकाल लेते हैं। ठीक है, काफी मजे। आलू में हमने शामिल किया था लाल मिर्च, हल्की सी काली मिर्च, नमक और चाट मसाला। ठीक है, लगभग कोई आपने एक चाय का चम्मच, हरा धनिया, वेजिटेबल टमाटर भी शामिल कर सकते हैं, साथ इमली का पल्प। ठीक है, इससे इसकी खटास से आलू बहुत मजेदार, चाट काफी इजी सिंपल, बाकी डॉक्टर बिल्किस जी बताएंगे इसके फायदे जायके के साथ साथ। हाँ, जायके के साथ इसके फायदे, तो ये तमाम चीजें हमने बना ली है यहाँ पर, इसे हम टेस्ट भी करेंगे, इंजॉय करेंगे, और इसे इंजॉय करने के बाद जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं सेहत के हवाले से, डॉक्टर बिल्किस आज यहाँ पर मौजूद हैं। वैसे आपके लिए ओपन फोरम है, आप वैसे भी कोई सवाल करना चाहें इससे हटकर भी, तो आप सवाल कर सकते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, और यहाँ बड़े मज़े के आलू बन चुके हैं, चिकन बन रही है, और चिकन ज़ाया ना हो तो वैसे हमने इनको कहा कि भाई पूरी बना के जाएं ताकि हम इन्जॉय करें। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ मौजूद हैं, आप इनसे सवाल कर सकते हैं, किसी भी सेहत के मामले पे आप इनसे बात कर सकते हैं।
लेकिन हम एक बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, और वो जब कॉलर आई थी तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी क्योंकि 3 साल का उनका बच्चा है, और वो उन्होंने कहा कि उसे जॉन्डिस हुआ, वो बिगड़ गया, हेपेटाइटिस हुआ, वो एडमिट रहा और आज 3 साल की उम्र में वो चल नहीं सकता। देखिए मैं सबको कहती हूँ कि आप टोटके करें, बहुत अच्छा है, हर्बल होम रेमेडीज बहुत अच्छी होती है, लेकिन कहीं ऐसा होता है कि इसमें भी एक लाइन होती है कि आपको कब कहाँ तक करना है, कहाँ के बाद नहीं करना, क्योंकि बाज़ औक़ात ब्लड, पूरे ब्लड को बदलने की ज़रूरत होती है। जॉन्डिस बहुत बिगड़ जाता है, तब आप उसको घर पे ही रखते कि नहीं कुछ नहीं हुआ, बच्चे को धूप देते रहो, धूप देते रहो, धूप धूप निकली निकली नहीं निकली नहीं निकली, आपके बच्चे की सेहत ज़िंदगी का सवाल होता है। आप उसका ब्लड टेस्ट कराएं, लेवल चेक करें और डॉक्टर के पास जाएं, हो सकता है कि अगर उनको सिर्फ उस वक्त ड्रिप चढ़ जाती, हॉस्पिटल पर उसको अच्छी तरीके से 24 घंटे की लाइट मिल जाती तो आज उसकी वो हालत ना होती, है ना। और धूप भी अगर देना है तो कॉटन लिया, उसको गीला किया, आंखों पे रखा और अच्छी तरह पूरा न्यूट करके उसको धूप दें। अच्छा, सुबह शाम की धूप। लोग तो कहते हैं आंखों में धूप लगनी चाहिए। नहीं, आंखों में बिल्कुल धूप नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल धूप नहीं लगनी चाहिए। देखो वरना तो ऐसे ही करते हैं आंखें बिल्कुल। हां नहीं, आपने कॉटन जो है ना, कॉटन को गीला करके बच्चे की आंखें की तितनी सी तो कॉटन आ जाती, दोनों रखा आपने, फिर उसको अच्छी तरीके से आगे पीछे बहुत पूरा नंगा करके, टाइमिंग भी तो जी, और धूप देना जैसे ही सूरज की किरण पड़ना शुरू हो, वो वाली धूप सबसे अच्छी होती है। ठीक है, जैसे जैसे सूरज निकलता है, निकलते सूरज की धूप जो है आधे घंटे तक आप लाजमी दें। हमारे यहाँ 10 बजे के बाद उठा के बच्चा बेचारा चीख रहा होता है, उसको गर्मी दाने निकलते हैं, उसको धूप में लिटा देते, ये भी गलत करते। फिर जाती धूप, आती धूप और जाती धूप, ये दो धूप आप बच्चों को वैसे ही दें, वैसे ही दें। और भाई ये बात इन्होंने सही कही है कि खुद ही टोटके ना करते रहें, किसी एक्सपर्ट की एडवाइस भी ले लें। बिल्कुल नहीं, और आप डॉक्टर रश टू द डॉक्टर, देखिए छोटा सा इन्फेंट बेबी है, आप जाएं, आप देखें उसको जॉन्डिस है, फिजिकल है, उसके बाद कब वो ब्लड में आ गया, कब उसकी तबीयत खराब हो गई, कब उसका, अल्लाह ना करे, पूरी जिंदगी की माजूरी क्यों लेते हैं। सही बात, ये जब से मुझे 15 साल हो गए, जब भी बात होती है मैं कहती हूँ इस पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। कॉम्प्रोमाइज ना करें। कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं नुसरत आप? जी मैं ठीक ठाक, और हमारे साथ हैं मिसेस परवेज, बात कर रही हूँ। जी मिसेस परवेज, एक मुझे आपके टॉपिक पे बात करनी है और डॉक्टर बिल्कीस से भी मेरा एक सवाल है। हाँ जी, पहले तो टॉपिक पे बात करूंगी क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि मुश्किल में मर्द ज्यादा होते हैं परेशान या ख्वातीन, तो मैं समझती हूँ कि ये दोनों ही परेशान होते हैं। जो ख्वातीन हैं वो अपनी परेशानी जाहिर कर देती हैं, जबकि मर्द हैं वो जाहिर नहीं करते ना। हाँ जी, अच्छा तज़िया है, है? अच्छा तज़िया है आपका। हाँ हाँ, हाँ तो इस तरह से मेरे ख्याल से ऐसा ही है, क्योंकि परेशानी मुश्किल होगी तो परेशान तो लाजमी दोनों ही होते हैं, मर्द ख्वातीन दोनों, लेकिन जाहिर है जो, क्योंकि औरत में बर्दाश्त का मादा नहीं होता ना। नहीं, बर्दाश्त का मादा तो अपनी जगह बोलने की बहुत आदत होती है, लेकिन खैर अभी हमने टॉपिक अक्सर बदल दिया है क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर बिल्कीस हैं, तो हम चाहते हैं इन्हीं से बात की जाए। जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, मुझे शुगर है और मुझे आपसे ये मेरा सवाल है कि मेरी एक जो टांग है पूरी, एक सीधी टांग, उसमें मुझे ऊपर से पेन होता है यानी जोर से, और फिर वो नीचे और मेरा पाँव सुन रहता है, सुबह जब मैं उठती हूँ खास तौर पर सो के जब मैं उठती हूँ तो बहुत शदीद दर्द होता है मुझे, और मुझसे पाँव नीचे नहीं रखा जाता, तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि देखिए आपको शुगर है तो यूरिक एसिड तो नहीं का कुछ भी कुछ। अच्छा आपको आने और जवाब नहीं, इनको आने और जवाब देते हैं, ठीक है, टेलीविजन से आप सुन लीजिए, थैंक यू सो मच जी। अच्छा नुसरत देखिए होता ही है ना कि अभी भी इनको इतनी शदीद तकलीफ है, कह रही कोई घरेलू टोटका बता दें, आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। पहले तो ये पता चलना चाहिए हमें कि विटामिन D3 कम तो नहीं है, कैल्शियम कम तो नहीं है, शुगर पेशेंट हैं आप। वैसे यहाँ पे हर्बल यहाँ रखा हुआ है, इसका बहुत अच्छा अर्क-उन-निसा भी जिनको अगर हो उसके लिए भी इसका बहुत अच्छा टोटका है, मैं बता देती हूँ इसको करना क्या होता है। ये क्या है? हर्बल, हर्बल, हर्बल जी, पंसार की दुकान से आराम से मिल जाता है। अच्छा, इसको खाने का तरीका ये कि एक दाना सिर्फ, देखें ये एक दाना सुबह निहार मुँह, दूसरे दिन 2 दाने, तीसरे दिन ये दाने देख लें, दाने नजर ही नहीं आ रहे हैं, हाँ, ये देख लें आप, फिर 4, 5वें दिन 5, करते 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 आपको लेके जाना है 40 तक। ओके सही है, 40 दिन 40 दिन में 40 दाने। अब 40 दिन के बाद आपने एक एक दाना कम करना है।
फिर 39, फिर 38, इस तरह चलना है, उल्टा चलना है, फिर दोबारा एक पर लेकर आना है। अगर आपका वो अर्कुनिसा इतने आपने ट्रीटमेंट्स कराएं नहीं जा रहा, आप ये करें आपको बीच में आराम आना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसको रोकना नहीं है, पूरा टोटका करना है ताकि आपको फर्क ये 80 दिन का टोटका 80 डेज का टोटका है। ठीक है, ठीक है भाई, ये हर्बल करके देखें, इसमें बिल्कुल नहीं, और नहीं ये मैंने कितनी दफ़ा बताया और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को इतना फ़र्क पड़ा है कि हद नहीं। बस ये नहीं हो कि गिनती दोबारा शुरू करें, बाज़ लोग मुझे फ़ोन करके बोलते भूल गए डॉक्टर बिल्किस वो असल में दो दिन हमने खाए नहीं, अभी क्या हमने जहाँ छोड़ा था वहाँ शुरू करना है या शुरू से शुरू? तो फिर शुरू से शुरू करना होगा, फिर आपको फ़ायदा ही नहीं होगा। ओके, कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, हमारे साथ हैं, हमारे साथ शबाना। शबाना जी, शबाना जी, क्या सवाल है आपका? मेरी फर्स्ट टाइम, ठीक हूँ, मेरी फर्स्ट टाइम कॉल लगी थी। जी जी, शुक्रिया आपने कॉल किया। और मैं ब्लेड लगाया, रेसिपी निकल गई है, क्या स्टीक में क्या बनाया है? चिकन। अच्छा, है? रेसिपी का अच्छा। हम आपको बता देंगे, हमारे पेज पर भी आ जाएगी, ठीक है, फेसबुक के पेज पर आ जाएगी, उसमें आप देख लीजिएगा। डॉक्टर बिल्किस से कोई सवाल है आपका? मुझे है ना इनसे ये मिलना है, मिलना है, क्लिनिक इनसे मुलाकात हो सकती है? इनसे मुलाकात इनके क्लिनिक में हो सकती है। कहाँ पर एड्रेस? अच्छा, ऑन एयर बता देते हैं आपको। वैसे पैनल पे नंबर है आपका? कहाँ पर पैनल पे आपका नंबर है कोई? लेकिन मेरा खुदा मोबाइल नंबर नहीं दे दीजिएगा ना। अच्छा, आपको क्लिनिक का नंबर दे देती हैं। वैसे बहुत आसान है, अगर आप कहें तो मशरक सेंटर है गुलशन इकबाल में, वहाँ पर अभी यहाँ से वहीं जाऊँगी। ठीक है, क्या टाइमिंग होते हैं आपके वहाँ पे? 12 to 6 होते हैं। ठीक है, 12 to 6 रोजाना? नहीं, फ्राइडे एंड संडे ऑफ होता है। ठीक है, फ्राइडे संडे के अलावा आप जा सकते हैं मशरक सेंटर यहाँ गुलशन में, बहुत आराम से आपको मिल जाएगा इनका क्लिनिक। तो जी, हेपेटाइटिस की बात करी मैंने जी, जल्दी से एक 5-star होटल में थे कराची के, वहाँ सबके टेस्ट हुए हेपेटाइटिस के। हाँ, तो उसके बाद पता चला कि उसमें से कोई 25-20% से लोग थे किचन में जिनको हेपेटाइटिस था, और आई एम टॉकिंग अबाउट किसी अच्छे होटल या रेस्टोरेंट 5-star होटल के, लेकिन छोटे जहाँ सब खाना खा रहे होते हैं आपको नहीं पता उनको क्या बीमारी है। तो कोई ऐसा हो कि पहले से हम पता चल जाए किस तरह वो उनके लिए भी गलत है और जो खाना खा रहे हैं उनके लिए भी गलत बहुत है, ज्यादा, बहुत दोनों ज्यादा। के लिए गलत, दोनों के लिए गलत है। तो खैर, ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई, तो पहले से अपना मुआयना जरूर कराएं, अपनी सेहत को हल्का ना लें, और दूसरों की सेहत को, और दूसरों की सेहत को भी। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। और ये इकबाल साहब ने सोचा कि बस ये मैं एंड में बता कर ही जाऊंगा, लेके जाना चाह रहा था लेकिन लेके भागना चाह रहे थे मगर रुक गए। फिर कहाँ भाग रहे थे आप, ये चिकन लेकर हैं भाई? अब मैंने कहा चिकन है इसलिए। अच्छा, डॉक्टर बिल्किस क्या बना रही हैं आप इस वक्त? कहवा बना रही हैं? जी, कहवा बना रही हूँ, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा जो है सबको नज़ला ज़ुकाम खांसी, लेकिन ये जो कहवा है ये ना सिर्फ नज़ला ज़ुकाम खांसी बल्कि आपके मोटापा और आपके लीवर के लिए भी बहुत अच्छा है। जिगर के अमराज में भी ये आप कहवा बना के पी सकते हैं, और अगर आपको बुखार बहुत होता है तो भी आप ये कहवा बना के पी सकते हैं। ये एक कहवा है लेकिन इसके बहुत सारे फवाइद जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, और जिन लोगों को सूजन रहती है, वाटर रिटेन रहता है, वाटर रिटेंशन की बीमारी होती है जिसमें यूरिन नहीं आता लेकिन हाँ, आप सूझते चले जाते हैं जी, ये उनके लिए भी बहुत अच्छा, बहुत आसानी से पंसार से तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, आपने इसको कहवा बना के सुबह शाम पीना, ठीक है? हाँ बिल्कुल, बता दीजिएगा। शाजिया की कॉल है, अस्सलाम वालेकुम शाजिया।
वालेकुम अस्सलाम नुसरत, शेफ इकबाल एंड डॉक्टर बिल्कीस, आपको भी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। बहुत औसम और जबरदस्त रेसिपी बनाई है, और डॉक्टर बिल्कीस नुसरत आपके तवसुत से बात करने को मिल जाती है, देखने को मिल जाती है। बहुत बहुत थैंक्स आपकी टीम का। डॉक्टर बिल्कीस से मैं पूछूंगी, मेरे दो सवाल हैं जल्दी से। ऐसे ही बताइएगा कि सर्दी गर्मी में छींकें बहुत आती हो, तो मतलब साइनसिस का प्रॉब्लम रहता हो, तो वो क्या ऐसा टोटका आजमाएं कि ये थोड़ा खत्म हो जाए या रुक जाए। दूसरा मुझे पूछना था, एक दफा आपने मुझे बताया था, मुझे मिस हो गया, कि वो जो ओबेसिटी की वजह से जो मच्छे निकल जाते हैं ना, वो उसको आपने बताया था, उसके लिए टोटका वो जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा, ये जो ओबेसिटी की वजह से ये जो छोटे छोटे वॉट्स टाइप निकल जाते हैं, वेट लूज करने पे ये खत्म हो जाते हैं ऑटोमेटिकली? नहीं, जो एक दफा स्किन टैग आ गया है ना, तो ये तो खत्म नहीं होता। ओके, बहुत आसानी से मैं बता देती हूँ। चौक जो हम लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे, जो चौक है उसको आप पाउडर बना लें, पाउडर बना के उसमें इतना कैस्टर ऑयल डालें कि वो क्रीम बन जाए। ओके, जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्रीम बन जाएगी। तो ये आप जो मस्से या वॉट्स जो हैं आप उस पर लगा लें, और लगाती रहें, रात को लगाएं रोजाना, तो आप देखेंगे आहिस्ते 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 जड़ जाएंगे वो। जड़ जाएंगे? जी जी। अच्छा, कुछ तो बहुत छोटे होते हैं कि बहुत गौर करो तो नजर आते हैं, उन पे भी लगा लें, वो भी निकल जाते हैं। जी, उन पे भी लगा लें, निकल जाते हैं। अच्छा, इस पे जो चीज़ें मैं डाल रही हूँ उसमें है अस्सुखुद्दूस यानी कि लेवेंडर। आप थोड़ा थोड़ा लीजिएगा, डेढ़ डेढ़ कप पानी के लिए बता रही हूँ। और हर्बल दाने जो हैं वो आपने सिर्फ इतना जैसे 6-7 लेना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेना। इसको इतना गिनना क्यों होता है जबकि इतने छोटे छोटे दाने हैं? ज़्यादा नहीं लेना ना। अच्छा, इसकी इतनी ही, हाँ इतना ही तासीर कुछ, हाँ बस इतना ही चाहिए। ओके, नहीं तासीर नहीं, रेसिपीज होती है ना, रेमेडीज होती है, उसमें जितना चाहिए उतना ही ले। ठीक है, और हमारे यहाँ अगर मैं नहीं बताऊँ तो यूं करके, हाँ यूं करके ये डाल दो, बिल्कुल, तो ये फिर ना फिर आपको फायदा की जगह फिर एक गर्म हो जाएगा। ये मैं पूछना चाह रही थी। अच्छा, इसमें आप तुलसी के पत्ते डालेंगे, आपको मार्केट में जिस तरह जिस हालत में मिली है मैं वही लेकर आई हूँ, सही है, इसमें मिल जाते हैं कब्रिस्तान में फ्री में रखे हुए हैं बहुत सारे। अजवाइन के पत्ते आप इसमें डालेंगे, ये भी मिल जाते हैं। पहाड़ी पुदीना आराम से मार्केट में मिल जाता है, पहाड़ी पुदीना आप लेंगे। इसमें एक चीज़ है अफसंतीन, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अफसंतीन ये आपके सूजन के लिए बहुत अच्छी होती है, ये आप इसमें डालेंगे। देखिए ये सारा थोड़ा थोड़ा मैं डाल रही हूँ। और ये है कांसनी की जड़, मुलैठी नहीं है, ये कांसनी की जड़ है। ठीक है, आपने ये इसमें थोड़ा सा डालना है। ठीक हाँ। है, अगर चाहें, अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी नज़ला ज़ुकाम है तो आप इसमें फिर हल्दी भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो बस ये आपका जो शानदा तैयार हो गया। और आप इसको बना के पीजिए, ये आपको मोटापे से भी निजात दिलाएगा, मौसमी बुखारों से भी निजात दिलाएगा, मौसमी जो चेस्ट पे अटैक होता है कि बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम खांसी कंजेशन, बच्चों को आप दे सकते हैं, लेकिन फिर अफसंतीन हटा दीजिए। अगर बच्चों को देना है तो ये चीज हटा दीजिए। ठीक है, अच्छा ये एक दफा बना के दो दफा पिया जा सकता है? जी 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 बिल्कुल, आप सुबह बना के, सुबह अलग बनाएं शाम अलग बनाएं? नहीं नहीं, आप सुबह बनाएं, बस इसको फिर आप छाने नहीं। अच्छा। दोबारा हल्का सा गर्म करें, शहद डालें और आप पी लीजिए। और पी लीजिए, इससे बहुत फर्क पड़ता है। अब शहद असली होना चाहिए, गुड़ भी चलेगा। हाँ, गुड़ भी चलेगा, अगर शहद ना हो तो गुड़ चलेगा, गुड़ भी चलेगा। ठीक है, तो ये कहवा हमने आपको बता दिया है। आज हेपेटाइटिस डे भी मनाया जा रहा है और उसके हवाले से भी हमें आगे बात करनी है, और मैं चाहती हूँ कि उसमें आप भी जरूर पार्टिसिपेट करें। हमारे कुछ और मेहमान भी मौजूद होंगे, एक ब्रेक आ गया, उसके बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक, और इस वक्त जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था आज कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा है, और डॉक्टर बिल्कीस से हम ऑलरेडी इस हवाले से बात कर रहे थे, तो मैंने उन्हें रोक लिया इस सेगमेंट में भी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोई हर्बल तरीका या टोटका या इस तरह की कोई बात हो सके तो आप उनका भी पॉइंट ले सके। डॉक्टर बिल्कीस हमारे साथ मौजूद हैं, मगर इस पर पूरी एक अवेयरनेस कैंपेन हो रही है, कुछ लोगों ने इसके बारे में सोचा है, काम कर रहे हैं, और उनमें से एक मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो डेप्यूटी डायरेक्टर मार्केटिंग एंड सेल्स हैं, इनका ताल्लुक फार्मा इंडस्ट्री से है। अब्दुलसमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। जो अवेयरनेस चल रही है उसके बारे में आपने आगाही देनी है कि वो क्या है, किस तरह से है, कितने लोगों को इम्पैक्ट करेगी, मगर उससे पहले आपकी इजाजत हो तो हमारे साथ एक कॉलर है, बड़ी देर से वेट कर रही थी, आपसे बात करना चाहती थी, बात हो नहीं पाई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैं
है ना जी जी बिल्कुल है ना, मुझे डॉक्टर बिल्किस से बात करनी थी। जी जी आप जी, कर लीजिए बात। जी मेरी बेटी है 5 साल की, ये होटो के जो कोने में साइड वाले दोनों उसके ना एक साइड से पानी वाले दाने हो रहे, और जब से हो रहे जब से वो 2 साल से, मैंने काफी डॉक्टरों को दिखाया है, डॉक्टर जावेद को भी, डॉक्टर जावेद आलम को भी दिखाया है, ठीक है, लेकिन फर्क पड़ता है बेटा ऐसे में आप इसके लिए कोई टोटका नहीं है। मेरे क्लिनिक का जो एड्रेस है आप आ जाएं, मैं दवा दे देती हूँ, मैं समझ गई हूँ क्या है, लेकिन पानी वाले दाने जब वो फटता है तो क्या दूसरी जगह बन जाता है क्या होता है, बिल्कुल, और 3 साल से बन रहे तो उसका इलाज है और मुमकिन इलाज है, आप आ जाएं देख के मैं दवा दे दूंगी, ठीक है। आप मुझे एड्रेस बता दें या फोन नंबर टीवी पे दे दीजिए। मशरिक सेंटर में, मशरिक सेंटर गुलशन में आप आ जाइए, और रोजाना आप 12 से 6 के दरमियान जा सकती हैं, वहाँ ही आपको मिल जाएंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, पहले तो अब्दुल समद साहब जरा जो कैंपेन चल रही है या जिसको आप लोगों ने प्लान किया है वो क्या है? सबसे पहले तो थैंक यू सो वेरी मच के आपने आज शो में अपॉर्चुनिटी दी है। असल में पॉइंट ये कि दिस इज़ अ ग्लोबल बर्डन जिसपे अब पूरी दुनिया भर का फोकस है कि किसी तरीके से इस बीमारी को इरेडिकेट किया जाए। इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान में 10 मिलियन पेशेंट जो है वो उसका शिकार हैं। अच्छा। और जो सबसे ज़्यादा जो सैडनिंग न्यूज़ है वो ये है कि इस वक्त तकरीबन 50 से 60 हज़ार लोग हैं जो ज़ेर इलाज हैं सर, तो इज़ अ ह्यूज डिजीज़ बर्डन इन पाकिस्तान। करंटली जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस के अंदर रिवाइवल हुआ है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आए हैं जो एक कॉमन आदमी की रीच में मौजूद हैं उसके उस ट्रीट, मगर पॉइंट ये है कि उससे पहले के लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है कि बीमारी से कैसे बच जाए, उसकी की सोर्स क्या होती है, कैसे कंटेमिनेशन हो सकती है। तो हमारा जो कोर फोकस है, बीइंग अ पार्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, आई एम रिप्रेजेंटिंग फार्मयू, हमारा जो कोर फोकस है वो मरीजों को ट्रीटमेंट तो कराना ही, उनका इलाज तो होना ही चाहिए, जिसके साथ हम इंडस अस्पताल के साथ मिलकर एक बड़ी मेजर कैंपेन आज रोल आउट कर रहे हैं जी। ओके। और आज जो है हमारा मीडिया पार्टनर है वो आज टीवी, एग्जैक्टली, तो बड़ा स्ट्रेटेजिक रोल प्ले कर रहा है। तो उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम किसी तरीके से घर घर में मासेस को इन्फॉर्मेशन दे सकें कि इस बीमारी से क्यों होती है और इसे कैसे बचा जा सकता है। तो हमारी बेसिकली ये डबल प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है जिसके ऊपर एक आर्म इसका फोकस करेगा ट्रीटमेंट के ऊपर और दूसरा आर्म इसका फोकस करेगा इसकी प्रिवेंशन के ऊपर। अब आप देखें कि कौन कौन सी सोर्स है जिससे कंटेमिनेशन, सबसे बड़ी सोर्स जिससे हेपेटाइटिस सी होता है वो कि अगर आप जो इन्फेक्टेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको आलाते जराही उर्दू में कहते हैं, अगर वो खासतौर पर डेंटल सर्जरीज हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, आपको पता है गली मोहल्ले में लोग बैठे हुए हैं डेंटिस्ट और वो प्रॉपरली स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से सबसे बड़ी की सोर्स ये कि वहाँ से इन्फेक्शन होता है। दूसरी बड़ी सोर्स ये कि आपके पास हमारे यहाँ आपने देखा गाँव देहातों में ये कि एक सिरिंज मल्टीपल लोग इस्तेमाल करते हैं, सिरिंजेस जो होती हैं, ठीक है, ये दूसरी बड़ी सोर्स है क्योंकि जहाँ पे कंटेमिनेशन मिक्स होती है ना वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये दो की फैक्टर्स हैं। फिर तीसरे नंबर पे आ जाएं तो एक खास वो है कि आपने जहाँ पे खवातीन में कान छिदवाने हैं, नाक छिदवानी है, अगर वो भी पूरा सैलून्स में पार्लर्स में तो, बहुत सी ऐसी चीजें एग्जैक्टली तो वहाँ पे यहाँ वैक्स करके इसका ब्लड निकला है और उसी कपड़े से दूसरे का वैक्स कर दिया उससे भी हो जाए। तो ये की चैलेंजेस हैं। तो आज हमारे पास जो हम जो और पानी का भी मैं सुनती थी कि गंदा पानी कंटामिनेटेड वाटर जो है वो भी एक वजह है हेपेटाइटिस ए के लिए। वो हेपेटाइटिस ए के लिए वो सी में बेसिकली है पाकिस्तान में, तो जो सबसे बड़ा मसला है ना हेपेटाइटिस सी का। सी का ए तो क्योरेबल है, ठीक है। जो WHO का चार्टर है वो ये कहता है कि 2030 में पूरी दुनिया को जो है ना वो आप हेपेटाइटिस फ्री कर दें, ठीक है, एंड दिस इज द गुड साइन। पाकिस्तान इज अ मेंबर हु हैज साइंड दिस चार्टर बेसिकली, ठीक है। अब 2030 में अगर पाकिस्तान को हेपेटाइटिस फ्री होना है तो उसके लिए ना सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बल्कि सारी की सारी कम्युनिटीज को मिलकर, जैसे आज हमारे साथ है हम काम करना होगा तब ये डिजीज जो है रेडिकेट हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो इट्स अ मेजर टास्क दैट। और हेपेटाइटिस सी ही, अगर मैं गलत नहीं हूँ आप लोग तसी फरमाइएगा, हेपेटाइटिस सी ही वो बीमारी है जिसमें अगर ये बिगड़ जाती है तो फिर लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत। बिल्कुल सही आपने कहा, है ना, CLD बोलते हैं इसको, क्रॉनिक लिवर डिजीज, जब वो बिगड़ जाती है तो अल्टीमेटली फिर लिवर ट्रांसप्लांटेशन पे उसमें मिलियंस ऑफ रुपीज और इतना होता भी नहीं है क्योंकि वो आपको लिवर चाहिए होता है किसी से और इस तरह, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब पाकिस्तान में उसके ट्रीटमेंट ऑप्शन है मगर ये हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा आप दोनों ये बीमारी हो ही ना अपने से इंसान कोशिश करे, कुछ चीजें तो आप लोगों
उन्हें बता दी कि जी यहाँ 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 ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ख्याल रखने की ज़रूरत है, हमें ख़ुद कौन से प्रिवेंशंस करने की ज़रूरत है कि लिवर का या हेपेटाइटिस सी का मसला हो ही ना, प्रिवेंशन पे आप लोग काम भी कर रहे हैं तो वो क्या है, आपसे शुरू करते हैं फिर प्रिवेंशन के बारे में डॉक्टर बिल्कीस आप भी बता दीजिए। देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है मैं जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है उसको आपने प्रिवेंट करना है जी। तो हमारी जो सोसाइटी में पाकिस्तान में सबसे बड़े जो हैं वो तीन मसले हैं जिसका मैंने जिक्र किया, प्रिवेंशन से एक वाहिद तरीका, क्योंकि पाकिस्तान में हर साल मतलब बहुत सारी अमवातें हैं इसकी वजह ही हेपेटाइटिस सी होता है जिसको काला यरकान कहते हैं। तो तीन मैं बातों पर बहुत एम्फेसाइज करूँगा जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में इससे बचा सकते हैं। नंबर वन जैसे जिसमें आपके पास क्रॉस ब्लड कंटेमिनेशन है, जब आप खून की मुंतकली का सिलसिला होता है उस वक्त बहुत इंश्योर करें कि आप जिससे खून ले रहे हैं लगवा रहे हैं वो प्रॉपरली चेकड है, ठीक है। दूसरा कि आप जो दूसरा बड़ा अहम मसला है वो ये मसला है कि जब आप बारबर शॉप पे नाई की दुकान पे जा रहे हैं और जब उस तरह वगैरह का इस्तेमाल होता है तो इंश्योर करें कि वो हमेशा नया ब्लेड इस्तेमाल करें, नंबर टू। एंड नंबर थ्री जिसमें मैंने कहा कि खवातीन में जो पियर्सिंग जो छिदवाने का सिलसिला है उसके ऊपर एग्जैक्टली, तो ये तीन अगर तरीकों से हम काम कर लें सोसाइटी में और उसकी अवेयरनेस प्रॉपरली हो जाए तो आई थिंक वी कैन कर्ब दिस सिचुएशन, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, हम 2030 में जो चार्टर ने साइन किया पाकिस्तान में उस तक हम पहुंच सकते हैं। वैसे हरक्यूलियन टास्क हाँ, लेकिन करना सबको होगा, करना सबको होगा, कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जैक्टली नहीं है। इसमें तो हॉस्पिटल्स भी हैं, इसमें तो सैलॉन्स भी हैं, इसमें सिविल सोसाइटी, एवरीबॉडी इज देयर, एग्जैक्टली, एवरीवन हैज टू प्ले द रोल, ठीक है। हाँ जी डॉक्टर, आप सही कह रही है, सीज का ताल्लुक आपके ईमान से, आप ये देखो आप एक शख्स को बीमार कर रहे हो, सही, सिर्फ कपड़ा लेके पहुंचोगे तो वो जो जरासीम है वो खत्म नहीं होगा। अवेयरनेस आप में भी होना चाहिए, जो कर रहा है उसमें भी होना चाहिए, उसको भी पता है कि आप जो किसी को बीमार कर रहे हो, पूरी जिंदगी से खेल रहे हो, तो ये चीजें ना करें, स्टरलाइज करें, बाज जरासीम जो होते स्टरलाइज से भी नहीं जाती, तो सिरिंज जो नई सिरिंज है वो इस्तेमाल करें, वो जो पुराने जमाने की जो गांव देहात वगैरह में सिरिंजेस वगैरह होती थी उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, अपनी सिरिंज 5 रुपए की या 10 रुपए की लेके जाएं, लेकर जाएं, अब अपनी सिरिंज लेकर जाके खुद वो जो, और जो नशे के आदि आपके घर में लोग हैं वो भी ये बीमारी फैलाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं, उनसे भी बचे, उनको भी देखें आप। तो ये तमाम चीजें करने की जरूरत है, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है कि खाने में आप एहतियात करें या बाकी चीजों में आप कोई एहतियात करें या उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अच्छा देखिए, आप अपने इम्यून सिस्टम को आप वो कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। आजकल जो चीजें आई हैं, जो जड़ी बूटियां या जो फ्रूट्स अल्लाह गफूर रहीम ने दिए, बिल्कुल, जिससे आप इस बीमारी से लड़ने में आपकी मदद करता है जी, उस जो हेपेटाइटिस के लिए है वो बी के लिए भी है, ना सिर्फ सी के लिए, बी के लिए, आलू बुखारे, आलू बुखारे हैं, आलू बुखारे से अच्छी, मैं हमेशा इस मौसम में एक डिटॉक्स वाटर बनाना बताती हूँ जी, जो बेसिकली होता है लीवर के लिए है, लीवर को जरा बूस्ट अप करता है, उसमें सोया आधी गड्डी, आधी गड्डी धनिया, आप आधी गड्डी सोया ले लें, आधी गड्डी धनिया ले लें, आप अगर अगर मौसम आजकल आलू बुखारे का है तो आप आलू बुखारे इसमें डालें, और मुट्ठी भर के गुलाब की पत्तियाँ, मगर वही पंसार से नहीं लेना, आपने ताज़ा गुलाब की पत्तियाँ लेनी है, और ये डालकर आप ये वाला पानी जो है, जिनको भी अगर हेपेटाइटिस ए बी या सी, ठीक है, अब तो इससे भी आगे होगी, ठीक है, किसी भी किस्म का इन्फेक्शन है तो आप लीवर के लिए ये वाला पानी बना के पीजिए, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और नेचुरोपैथी में और एलोपैथी में एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, हम कहते हैं ग़िज़ा से परहेज करें, कहते हैं ग़िज़ा से नहीं होता, हम कहते कि यू आर व्हाट यू ईट, तो फिर कहते कि फिर एनिमल प्रोडक्ट्स कम इस्तेमाल करें, अगर लीवर पहले ही मासूम इतना बीमार है तो जानवरों से बनी हुई चीज़ें जैसे मिल्क है या बड़ा का गोश्त है, वाइट मीट चलो जल्दी हजम हो जाता है अगर बहुत है तो वो खा लें, लेकिन वो ना करें। हमारे साथ साइमा की कॉल है, उसके बाद आपने एक और तरफ मैं चाहती हूँ आप इशारा दिलाएं, जो बच्चे दुनिया में आ रहे हैं उनकी वैक्सीनेशंस, अब तो लोगों को फिर भी अवेयरनेस हो रही है, और फिर वैक्सीनेशंस में क्या ये बात मैंडेटरी है कि हेपेटाइटिस लगेगा, क्योंकि चंद जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप इसके बारे में हमें बताइएगा। साइमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं साइमा बात कर रही हूँ हैदराबाद से। हाँ जी साइमा फरमाइए। मेरे दो सवाल हैं, एक आपसे मुझे रिक्वेस्ट करनी है, एक डॉक्टर बिल्कीस से मुझे पूछना है, और प्लीज मुझे ऑनलाइन जवाब दे दीजिएगा क्योंकि लाइफ नहीं है हमारी। अच्छा, हाँ मुझे मुझे पूछना था डॉक्टर बिल्कीस से कि जो दूध, मतलब मैं ये सवाल हर एक से पूछ पूछ के थक गई हूँ, मगर मुझे कहीं से भी सही मुतमईन वाला जवाब नहीं मिलता, इत्मीनान वाला, कि दूध जो है, चिकन का तो सब कहते रहते हैं कि हॉर्मोन्स है,
जाहिर है वो तो चले छोड़ दी, लेकिन दूध कैसे छोड़े, दूध में भी तो हार्मोन्स हैं, इंजेक्शन लग रहे हैं जानवरों को। अच्छा, और पता नहीं कौन कौन से केमिकल। ठीक है, खुले दूध के बारे में आप पूछ रही हैं, ठीक है। और अंडों के बारे में मुझे पूछना है, क्योंकि जाहिर है जैसी माँ वैसे बच्चे, अगर चिकन खराब है तो अंडे भी खराब है। नहीं नहीं, मैं आपको जवाब देती हूं, मैं आपको जवाब, तो अंडों का क्या करें। और मुझे नुसरत आपसे भी एक रिक्वेस्ट करनी है जी, मुझे पूछना था, कहना था नुसरत के, मुझे सुन में थोड़ी सी एजुकेशन के हवाले से समझने आप गाइडलाइन चाहिए, क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है, और मुझे ये नेचुरोपैथ में बहुत इंटरेस्ट है शुरू से ही है, लेकिन घर वाले नहीं मानते थे, क्योंकि वो समझते थे इसका कोई स्कोप नहीं है। ठीक है, लेकिन अब शुक्र है कि उन्हें समझ में आ गई है, माशाल्लाह से एक्सपर्ट्स आते हैं तो अब वो लोग मानते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ अच्छी से अच्छी जगह से पढ़ूँ, जैसे कराची से मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ आप एक दिन इन एक्सपर्ट्स को बुलाएं, जैसे उम्मीद राहील हैं, डॉक्टर बिल्कीस हैं, डॉक्टर ईसा हैं, हकीम अब्दुल वासित साहब हैं, इन्हों को बुलाएं और इनसे मतलब। ठीक है, ठीक है, ब्रीफ ब्रीफ जवाब तो अभी हम ले लेते हैं, आगे डॉक्टर बिल्कीस से आगे हम पूछ लेंगे, ब्रीफ जवाब तो वो आपको दे देंगी, बाकी फिर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि पूरा प्रोग्राम भी इस हवाले से करें। ठीक है, थैंक यू जी। अच्छा देखिए बेटा, जो हमारे नेचुरोपैथ भी, दूसरे डॉक्टर भी आके जो कहते हैं कि इसको हार्मोन्स लगे हुए, इसको हार्मोन्स लगे हुए, मैं पहले बता दूँ मेरा पोल्ट्री फॉर्म नहीं है, मैं मुर्गी की हिमायत नहीं करी, लेकिन जिस उस टेम्परेचर पे हम उसको बनाते हैं उसमें कोई हार्मोन रहता ही नहीं है। तो आप मुर्गी खा सकती है, अंडे खा सकते हैं, उसको जिस तरह उसको बॉईल किया जाता है, उसको बनाया जाता है, कुछ भी नहीं रहता, कोई जरासीम, कोई हार्मोन, कुछ भी नहीं रहता। अगर सीरियसली जी, बिल्कुल सीरियस बात है, आप बहस करवा लें, कुछ भी गलत है ये कि ये नहीं खाओ, देसी नहीं खा लो, वो खा लो, देसी को भी वही फीड देते हैं, देसी को भी उसी तरह पाला जाता है। तो ये एक भटकाने का जरिया है और कुछ भी नहीं है। हार्मोन्स की अगर आप बात करते हैं तो आप कुछ भी ना, सिर्फ सांस लें, क्योंकि हर चीज में हार्मोन्स है। आप जितने फ्रूट्स खा रहे हैं वो भी हार्मोन्स वाले, उनको जल्दी ग्रो करने के लिए देते हैं, खाद जो दे रहे हैं उसमें भी है ऐसा। और जहाँ तक दूध की बात है, सुन्नत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीका बताया है कि दूध में जब पहला उबाल आए तो पानी के छींटे, फिर दूसरी दफ़ा उबाल आए पानी के छींटे, तीसरी दफ़ा उबाल आए पानी के छींटे, जो ये तीन दफ़ा इसको जो उबालना है, जब हमारे सरवर कायनात ने कह दिया तो उसमें कुछ भी नहीं बचता, उसमें कोई भी फिर वो बैक्टीरिया हार्मफुल रहते ही नहीं है। तो आप दूध उबाल कर दे सकती हैं। मैं अभी भी नेचुरोपैथी के हिसाब से बोलूँगी कि खुला दूध मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है, कि बजाय उसमें दूसरी चीज़ें डाल के, प्रिजर्वेटिव्स डाल के आपको देते हैं। जो दूध है वो उन्हीं से खरीदा जाता है, उन्हीं किसानों से, फिर उसमें मजीद हार्मोन्स डाल के आपको देते हैं, याद रखिए। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, अब ये बताइए कि हमारे यहाँ वैक्सीनेशंस कॉमन हुई है, और क्या गवर्नमेंट के प्रोग्राम में ये शामिल हैं कि बच्चे को ये वैक्सीन लगेगी जब वो दुनिया में आएगा? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि हेपेटाइटिस सी की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। ओह यस, तो दिस इज द मेजर कंसर्न कि आप बच्चे को राइट फ्रॉम बर्थ कोई वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। तो आपको अल्टरनेट, जो आपको अल्टरनेटली जाना है वो प्रिवेंशन पे जाना है। तो आज तक तो उसकी कोई हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन नहीं है, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये सोसाइटी में। ओके अब्दुल समद साहब, ब्रेक के बाद मैं चाहती हूँ कि आप अपनी इस कैंपेन का जो दूसरा हिस्सा है जो हमें बताना चाह रहे हैं, आज आप लोग क्या कर रहे हैं इस हवाले से, वो हम डिस्कस करेंगे। सो वी विल सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर सईद हामिद साहब, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन आग खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के हवाले से आज की इस सेशन को हमने तरतीब दिया था। डॉक्टर बिल्कीस भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ अब्दुल समद सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं, जिनसे हम ऑलरेडी डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन अब डॉक्टर साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम चाहते हैं सर, वक्त हमारे पास इस सेगमेंट को क्लोज करने का क्योंकि कम है, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पर हमने बात नहीं की है और आप शुरुआत करना चाहते थे इस दिन के हवाले से, तो प्लीज़। देखिए, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है और इसके दो मकासद होते हैं मेनली। एक मकसद ये कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए अबाउट द इन्फेक्शन। जल्दी से मैं आपको कुछ स्टेटिस्टिक्स दे दूं कि पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी की प्रेवलेंस दुनिया में दूसरे नंबर पर है, विच इज़ इट इज़ नॉट अ गुड स्टेटिस्टिक बट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेटिस्टिक।
चाइना के बाद वी हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल ऑफ हेपेटाइटिस सी इन आवर कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इन ये जो 10 मिलियन या 12 मिलियन मरीज बनते हैं हेपेटाइटिस सी के, इनमें से 90% लोगों को अभी तक ये पता भी नहीं कि इनको इन्फेक्शन है। उसकी वजह ये कि ये इन्फेक्शंस बड़ी साइलेंट होती हैं और इनको इसीलिए एक नाम साइलेंट किलर के तौर पे भी दिया जाता है, क्योंकि जब ये रूनमा होती हैं फाइनली तो ये इस स्टेज पर रूनमा होती हैं कि उन बहुत सीरियस नेचर की बीमारी उस वक्त तक पैदा हो चुकी होती है। राइट, तो हाउ डू यू फाइंड आउट कि किसी को हेपेटाइटिस सी है या नहीं? उसका एक ही तरीका है, टेस्ट कराइए अपने, ठीक है। मेरे तो ये यकीन है कि जिस तरह की प्रॉब्लम, जिस स्केल की प्रॉब्लम हमारे पास है, एवरीबडी इन दिस कंट्री शुड हैव अ टेस्ट फॉर हेपेटाइटिस सी एक दफ़ा कम अज़ कम, और हेपेटाइटिस बी के लिए भी। अगर डायग्नोसिस जल्दी हो जाए जी, तो जल्दी ट्रीटमेंट होगी, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट अब अवेलेबल है, और उतना ही मरीज का बेनिफिट और फ़ायदा है। अच्छा। बजाय किसी नुकसान के, मरीज लोग टेस्ट इसलिए नहीं कराते कि वो समझते हैं कि किसी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, बिकॉज एक दफ़ा टेस्ट करा लिया फिर क्या होगा। ये पिछले 2-4 सालों में हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट में एक रेवोल्यूशन आया है, जिसका मतलब ये है कि दवाइयाँ अब टेबलेट फॉर्म में आ गई, आसान दवाइयाँ आ गई, और ऐसी दवाइयाँ आ गई जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स या बिल्कुल नहीं है या ना होने के बराबर हैं, और इनफैक्ट उनका जो ट्रीटमेंट का जो आउटकम है वो तकरीबन 90-95% का क्योर रेट। कुछ लोगों में कोई, अगर हम बीमारी को जल्दी ट्रीट करें तो हम तकरीबन 100% लोगों को क्योर कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपका टेस्ट हो, खुदा ना खास्ता पॉजिटिव नज़र आ जाएँ, तो दिस इज नॉट ए डेथ सेंटेंस एनी मोर, इट इज ए हाईली, हेपेटाइटिस सी की बात कर रहा हूँ, इट इज अ हाईली ट्रीटेबल कंडीशन। ओके, अच्छा, हेपेटाइटिस बी का जहाँ तक ताल्लुक है जी, उसके लिए भी इफेक्टिव दवाइयाँ मौजूद हैं। अभी इस स्टेज पे हम उस इन्फेक्शन को अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन होती है, उसको हम क्योर नहीं कर सकते। ओके, लेकिन उसको हम कंट्रोल बहुत इफेक्टिवली कर सकते हैं, और जब हम कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर वो जो बीमारी की प्रोग्रेशन है, जो लिवर डिजीज़ का डैमेज है, वो रुक जाता है। ओके, और मरीज की जान कम अज़ कम बच सकती है, ऑल्दो उसको हेपेटाइटिस बी से कंप्लीट छुटकारा ना हो, लेकिन तब भी उसकी हम मरीज की जान ज़रूर बचा सकते हैं। अच्छा, दो चीज़ें इसमें हैं, एक तो ये भी, ये मिथ है या रियलिटी है कि इलाज तो है, आपने बता दिया, विच इज़ अ गुड न्यूज़, लेकिन इलाज महंगा है। अच्छा, अब इलाज महंगा भी नहीं है, ये अच्छा। सबसे अच्छी बात है, जब से ये दवाइयाँ, और रिसेंटली ये इसी साल में हुआ है कि हमारी जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने कई सारी दवाइयाँ, जेनेरिक दवाइयाँ जो हैं उनकी परमिशन दी, वो मुल्क में आ गई, अब फ्रीली अवेलेबल हैं, और इस वक्त हेपेटाइटिस सी का इलाज पाकिस्तान में परहैप्स दुनिया में सबसे सस्ता इलाज अवेलेबल है, सबसे सस्ता इलाज अवेलेबल है, राइट, और इतने पैसे का है कि बहुत सारे लोग अब उसको अफोर्ड कर सकते हैं। कुछ ज़रूर डेफिनेटली जो बेचारे बहुत गरीब लोग हैं वो नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन उनके लिए फिर वो सरकारी प्रोग्राम्स हैं, जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं जी, विच हैव टू प्ले देयर पार्ट, के उन लोगों को कम अज़ कम ज़रूर वो कैटर करें, जो कि बिल्कुल जिनके पास अपनी दवाई पे खर्च करने का एक भी पैसा नहीं है। ठीक है, अच्छा, जो फैमिलीज़ या पेशेंट्स आपके पास आते हैं, क्योंकि हम ये बात कहते ही रहते हैं कि वो कहीं ना कहीं से हेपेटाइटिस उनको भी मिला हुआ होता है जी, तो क्या वो इसके कंटेजियस होने के बारे में अवेयर होते हैं और वो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि उनके बच्चों तक या फैमिली तक ये चीज़ें ना पहुँचें? इसमें आपने मिथ्स की बात की, तो सबसे ज़्यादा मिथ्स इस चीज़ की हैं कि एक से दूसरे को ये इन्फेक्शन कैसे पहुँचती है, ठीक है जी। अगर मैं खुदा ना खास्ता हेपेटाइटिस सी का पेशेंट हूँ तो मेरे साथ बंदा बैठना बर्दाश्त नहीं करेगा जी, जी, जी। या मेरी प्यारी में चाय पीना बर्दाश्त नहीं करेगा या मुझसे इस तरह की चीज़ें शेयर नहीं करेगा। राइट। तो ये मिथ्स क्लियर करनी ज़रूरी हैं, बिकॉज हेपेटाइटिस सी और बी दोनों ये ब्लड की ट्रांसफ़र से फैलते हैं। Okay. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने शेव की और मुझे कट पड़ गया और मेरा रेज़र इन्होंने इस्तेमाल कर लिया, तो वो चांसेस जरूर हैं कि फैल जाएंगे। ठीक है। लेकिन इस तरह से साथ बैठने में, हवा में, सांस लेने में, किसी छोटे बच्चे को प्यार करने में, किसी को गले लगाने में, ये इन्फेक्शन हरगिज नहीं फैलती। ओके। तो ये दीज आर मिथ्स, और इसीलिए लोग अपना टेस्ट करते हुए घबराते हैं कि अगर
पता चल गया तो मुझसे तो खानदान वाले बात करना बंद कर देंगे कल, कोई 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 मेरे घर नहीं आएगा, कोई मेरे साथ बैठ के खाना नहीं खाएगा, राइट। एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव टू गिव द मैसेज वेरी क्लियरली कि ये सिर्फ और सिर्फ खून की मुंतकली से, वो जिस तरह से भी हो, अनस्टराइल इक्विपमेंट इस्तेमाल हो, नीडल्स ऐसी इस्तेमाल हो जो कि यूज़ की गई हैं एट्सेट्रा, उन चीज़ों से फैलता है। अच्छा, एक और चीज़ भी है, एक और सोच है, अब ये कितनी दुरुस्त है कि एक दफ़ा इलाज करवाया वो ठीक हो गया, क्या ये रिवर्ट हो जाता है? जी देखिए, इसमें रिवर्ट इस तरह से होता है कि वो इलाज पूरी तरह से इफ़ेक्टिव ना हुआ हो। जब आप इलाज बंद करें तो वह वायरस वापस आ जाता है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो इन्फेक्शन नई दोबारा हो गई, वो सिर्फ ये मतलब होता है कि जो जो ट्रीटमेंट था वो पूरी तरह से इफ़ेक्टिव नहीं हुआ। ठीक है। अब मैंने आपसे अर्ज़ की कि तकरीबन 90 इनफैक्ट 95 इन सम केसेस 100% लोगों में ये इन्फेक्शन क्योर हो जाती है, लेकिन फिर भी चलें 5% 10% हो सकता है लोग ऐसे बच जाएं जिनमें कि ये इन्फेक्शन पूरी तरह से उस इलाज से ख़त्म ना हो, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास फिर दूसरे ऑप्शंस भी मौजूद हैं उस ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। तो इसमें कोई अब कोई इलाज के अंदर कम से कम कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रह गई इंशाल्लाह। अच्छा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, रिप्यूटेड प्राइवेट हॉस्पिटल, सभी लोग इस पे लगे हुए हैं। अभी तो ऐसा आप लोगों से मिलके लग रहा है कि 2030 तक ये ख़त्म हो जाएगी, इरेडिकेट कर पाएंगे सब जी? दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इस साल क्या हुआ है, और इस साल वर्ल्ड हेल्थ जो हेपेटाइटिस डे है इसकी सिग्निफिकेंस एक और क्यों है, इसलिए कि मई में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई। उस वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में तकरीबन 190 या 195 मुल्कों ने साइन किए जो उसकी जो डिक्लेरेशन थी, उसमें पाकिस्तान मौजूद है उसका सिग्नेचर, और पाकिस्तान इज़ नाउ कमिटेड कि बाई 2030 द एलिमिनेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी शुड हैपन। ओके, राइट। अच्छा, अब ये देखिए कि उसको एलिमिनेट करने के लिए हमें करना क्या है, जिस तरह की हमारे पास प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल हेपेटाइटिस सी को ले लें, 90% लोग अभी डायग्नोज नहीं हुए, 90% लोगों को डायग्नोज करना है, ठीक है। उनमें से जो जो डायग्नोज हो गए जो पॉजिटिव हैं उनको हमें कम से कम 90% लोगों को ट्रीट करना है, और उन 90% लोगों में ट्रीटमेंट ऐसी होनी चाहिए जो कि 90% इफेक्टिव हो कम से कम। अगर इसको फिगर्स में आप इस्तेमाल करें तो इसका मतलब ये होता है कि तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा मरीज हमें हर साल इस मुल्क में ट्रीट करने हैं अनटिल 2030 इन ऑर्डर टू इरेडिकेट दिस इन्फेक्शन। एंड फॉर दैट वी विश यू ऑल द लक, क्योंकि आप लोगों ने पहला स्टेप तो उठा लिया है, आगे आप जाएं और इसकी इरेडिकेशन पॉसिबल हो पाए, हमारी तो यही ख्वाहिश है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिल्कीस आपका, डॉक्टर आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब यहाँ पर आए, और हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इसका फ़ायदा हम सब को पहुँचेगा इंशाल्लाह ताला। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो हम फ़ी पे बात करेंगे, स्कूल फ़ी पे, स्कूल खुलने वाले हैं और लेटर्स या सर्कुलर्स आ चुके हैं कि जी इतने इतने फ़ीसद फ़ी बढ़ जाएगी, आप इस पर कॉमेंट करना चाहें तो कॉल करें आफ्टर दिस ब्रेक। किसी भी मुल्क की तरक्की और तनाजुली में तालीम का किरदार इंतहाई अहम होता है, मगर बदकिस्मती से शायद हमारे हुक्मरानों की तरजीहात में कभी तालीम नजर ही नहीं आई। इसका अंदाज़ा वतन अजीज में राइज बदहाल निज़ाम तालीम से बखूबी लगाया जा सकता है। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान भर के 15,996 स्कूलों की सिरे से कोई इमारत ही नहीं, यानी कि खुले आसमान तले बच्चे पढ़ते हैं। 53,389 स्कूलों की चार दीवारी, 54,873 स्कूलों में लेटरिन ही नहीं, जबकि मुल्क भर के 60% यानी 90,223 स्कूल बिजली की सहूलत से महरूम हैं। जबूहाली के शिकार निजामे तालीम की वजह से ज्यादातर लोग अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाते हैं, मगर हर साल निजी स्कूल मालकान मजबूरी का फायदा उठाकर फीसों में खतीर रकम का इजाफा कर देते हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों बच्चे भारी फीसों की अदम अदायगी की वजह से स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं और यूं वो तालीम की राह को तर्क कर देते हैं। वेलकम बैक, और आज हम बात करें फी हाइक पे। फी हाइक
का एक ऐसा मसला है जो काफ़ी अरसे से हम सुन भी रहे हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे भी नज़र आ रहा है, स्कूल्स के बाहर भी उसके पोस्टर्स हमें दिखने को मिले हैं। लेकिन इस वक्त हम जनरल फ़ी के बारे में बात करेंगे, जो जनरल एक राइज होता है हर साल होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। शायद आपको उसके बारे में पता नहीं होता कि ये भी एक क्लॉज है जो एडमिशन पॉलिसी का शायद हिस्सा है कि हर साल फ़ी बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी, हुकूमत ने एक परसेंटेज फिक्स की थी, मुझे पिछली दफ़ा पता चला था कि कोई 5% के अराउंड थी, लेकिन जब फ़ी बढ़ती है तो वो 5% के अराउंड नहीं होती है। और आजकल मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल से बच्चों को सर्कुलर्स आना शुरू हो गए हैं, पेरेंट्स को सर्कुलर्स आना शुरू हो गए हैं कि फ़ी दोबारा बढ़ रही है। तो हमारे साथ इस मामले पर डिस्कशन करने के लिए, हमें आगाही देने के लिए, क्योंकि इस पर इस एक मौजू पर भी आला सतह का इजलास होता रहता है और वहाँ पर भी मीटिंग्स होती रहती हैं और डिसीजन मेकिंग होती है, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग मुझ तक और आप तक पहुँचनी ज़रूरी है। शरफुज़ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन, आपको खुश आमदेद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। एंड वी हैव नसरीन असलम साहिबा जो कि रीजनल डायरेक्टर हैं द मेट्रोपॉलिटन एकेडमी में, अस्सलाम वालेकुम। जी आपसे शुरुआत करते हैं सर, पिछले दिनों आपने कोई मीटिंग भी अटेंड की है फी राइज के हवाले से? देखिए ये पिछले एक साल की पूरी कारकर्दगी है हमारी, क्योंकि मैं स्टीयरिंग कमेटी गवर्नमेंट ऑफ सिंध का भी मेंबर हूँ और सबसे पहले यहीं पे आवाज़ उठाई गई थी इस सिलसिले में कि इसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है चंद स्कूलों की ये हरकत होती हैं और बदनामी तो जाहिर है पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट की है। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बाकायदा इसके ऊपर नए सिरे से कानून साजी की गई है, उसका भी मैं मेंबर हूँ और हमने उसमें कोशिश की है कि 2001 में जो एक्ट बनाया गया था उसमें जो कमी रह गई थी जिसकी वजह से कुछ बड़े स्कूल्स फ़ायदा उठा रहे थे, उस कमी को ख़त्म करने के लिए नए सिरे से कानून बनाकर गवर्नमेंट ऑफ सिंध के हवाले कर दिया है। ये तकरीबन कानून में क्या है जरा हमें ये मतलब, मैं चाहती हूँ कि हमें ये पता चले कि हुआ क्या है। पाबंदी आयद की गई है और पाबंदी ये है कि कोई भी तालीमी अदारा ख्वा वो फेडरल गवर्नमेंट के मातहत चलता हो या वो कैम्ब्रिज सिस्टम स्कूल्स हो, अगर वो सिंध में हैं या मैट्रिक सिस्टम स्कूल हैं, अगर सिंध में मौजूद हैं तो फिर उन को ये पाबंद किया गया है कि आप बग़ैर गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अप्रूवल के फीस में इजाफा कर ही नहीं सकते। अच्छा, कोई भी स्कूल हो, किसी कोई भी स्कूल कर ही नहीं सकते, ठीक है। ये पहले पाबंदी सिर्फ मैट्रिक सिस्टम पे थी लेकिन अब उसको इन तमाम चीज़ों पे लागू कर दिया गया। अच्छा, ये सॉरी कते कलामी होती है लेकिन ये रूल बन चुका है और ये इम्प्लीमेंट हो चुका है? नहीं, रूल्स बनाकर हमारा जो काम होता है वो यही होता है कि उसे नए सिरे से बनाकर हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध के हवाले कर दिया। अब वो असेंबली के फ्लोर पे जाएगा। अच्छा, वहाँ जाने के बाद अब उस पर बहस होगी, अब उसमें कौन सी चीज़ वो रद्द करते हैं, कौन सी चीज़ को वो रखते हैं, ये उनकी सवाबदीदी अख्तियारात हैं कि वो बेहतर समझते हैं कि उनको क्या करना है। ये इस साल लेकिन जेरे बहस आ जाएगा? ये तो बनकर जा चुका और बस ये 2-4-10 दिन की बात है। चलें, अल्लाह करे कि इसमें अच्छे रिजल्ट्स आए, खुश आए, रिजल्ट आए तो ये सिर्फ आपका काम नहीं होगा, ये आप लोगों की नेकी होगी। इसमें पाबंदी और भी चीजों पे लगाई गई जी, और जिसमें आपके एनुअल चार्जेस हैं कि कोई भी स्कूल, क्योंकि मनमानी किया करते थे स्कूल वाले, चंद स्कूल जो कि पेरेंट्स जहाँ मजबूर होते थे जी, वो अपनी मनमानी करते थे कि वो हजारों रुपए में इजाफा कर लेते थे, अब वो ऐसा नहीं कर सकते, उनको पाबंद कर दिया गया है। अच्छा, एडमिशन फीस के हवाले से भी उनको पाबंद कर दिया गया है जी, उससे ज़्यादा वो कर ही नहीं सकते, अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा, उनके तालीमी इदारे को बंद कर दिया जाएगा। अच्छा, आप से मैं ये जानना चाहती हूँ नसरीन साहिबा कि मैं आपके इदारे की बात नहीं करी, एक जनरलाइज सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि क्या कैम्ब्रिज सिस्टम में, क्योंकि वहाँ से ये ज़्यादा मामला शुरू हुए थे, क्या कैम्ब्रिज सिस्टम में पढ़ाई इस तरह की है, टीचर्स को अफोर्ड करना इतना मुश्किल है कि इतना प्रेशर या इतना बर्डन या जो एवरेज फ़ी है वो 12-15 हज़ार होनी लाजमी है? देखिए, आजकल जनरल इन्वायरमेंट है स्कूलों का, वहाँ पे कैम्ब्रिज इज ग्रोइंग। हाँ, ये आप समझिए कि एक स्टेटस सिंबल बन चुका है कि आपका बच्चा कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ रहा है।
फिर स्कूल के अंदर किस तरह का टीचर है, कहाँ का टीचर है, मार्केट जैसे एजुकेशन भी एक तरह की मार्केट है, आप इसमें जो टीचर्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनकी डिमांड इज टू मच। एक मैट्रिक सेक्शन का टीचर और कैम्ब्रिज सेक्शन का टीचर दोनों की सैलरीज में आप समझे कि जमीन आसमान का फर्क है। ओके, उनकी उनका टारगेट इज नॉट ओनली वन क्लास, सेक्शन वाइज ग्रुप वाइज उनकी डिमांड होती है। अच्छा, अगर आपको ऐसा टीचर प्रोवाइड करना है जो मार्केट में रिनाउंड है और फेमस है और बच्चे डिमांड करते हैं जी तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट पूरी। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप दोबारा हमें एक्सप्लेन कीजिएगा और ये जो डिफरेंसेस इन्होंने बताया कैम्ब्रिज सिस्टम के, ये हमें समझ में आने चाहिए। लेकिन आपको ऐसा महसूस होता है कि बड़े स्कूल्स जो हैं जिनका थोड़ा नाम हो जाता है उनकी उनके खर्चे से ज़्यादा वो अपनी गुडविल के या नाम के पैसे ले रहे होते हैं और पेरेंट्स को परेशान कर रहे होते हैं, क्या लॉ में ऐसी भी कोई शिक नहीं होनी चाहिए कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन उन्हें पता हो कि हर साल कितनी फ़ी बढ़ेगी? देखें, बात दरअसल ये थी कि एक ज़माने में मैट्रिक सिस्टम के तहत जितने तालीमी अदारे रजिस्टर्ड होते थे उसकी रजिस्ट्रेशन के जो सर्टिफिकेट हैं उसकी ऊपरी सतह पे ये तमाम चीज़ें पहले लिखी हुई होती थी। बाद में पिछले 20 सालों में उसको ख़त्म कर दिया गया, लेकिन इस बार हमने उसको दोबारा राइज करवाया कि सर्टिफिकेट के ऊपर लिखे होना चाहिए कि आप किस किस मद में कितनी फीस ले सकते हैं। ठीक है, विद दैट एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक, हमारे साथ इस वक्त शरफ जमान साहब मौजूद हैं, नसरीन असलम साहिबा मौजूद हैं, हम बात कर रहे हैं फ़ी के हवाले से। स्कूल फ़ी जैसे जैसे स्कूल खुलना शुरू हो जाएंगे, अब आपको लेटर्स मौसूल होना शुरू हो जाएंगे, यहाँ हो गए होंगे, और हर साल जो फ़ी इंक्रीज़ होती है उसके बारे में यहाँ शरफ जमान साहब ने बहुत ही अच्छी बातें हमें बताई हैं। अल्लाह करे कि वो लॉ का हिस्सा बने और अल्लाह करे कि इनकी काविशें रंग लाएँ और उसके बाद स्कूल्स को पाबंद किया जाए कि वो अपनी मर्ज़ी से फ़ी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एडमिशन तो पता होता है कि कितनी फ़ी है, लेकिन ये है कि हर साल कितनी बढ़ जाएगी और इतनी बढ़ जाएगी ये ज़रा डाइजेस्टिबल नहीं होता। अच्छा, आप भी अपनी तरफ से एक बात जो हमें बता रही थी वो अंडरस्टैंडेबल थी, मैं चाहती हूँ इसे कंप्लीट कर लीजिए कि टीचर्स महंगे होते हैं कैम्ब्रिज सिस्टम के जी, उनकी पढ़ाई महंगी होती है, लेकिन क्या फिर भी जो फ़ी हाइक है जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि 12, 15 या 17 हज़ार, ये जस्टिफाइड है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है जस्टिफाइड है, क्योंकि ये हर स्कूल नहीं कर रहा, ये कुछ स्कूल ऐसे हैं जो 12-15% या इससे ज़्यादा का एक इन्हांसमेंट दे रहे हैं और सारे स्कूलों के लिए ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। अब किसी एक स्पेसिफिक स्कूल की मैं या अपने स्कूल का नाम नहीं लूँगी, हम एक अमाउंट जो इंक्रीज कर रहे हैं पेरेंट नो वेल बट इन टाइम उनको पता है कि ईयरली ये इंक्रीमेंट आएगा जो बहुत माइनर सा है चेंज है, और जो रियली रिक्वायरमेंट भी है द डे की कि आपको अगर वो इन्वायरमेंट देना है, वो टीचर्स प्रोवाइड करने हैं, एवरीथिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल द फैसिलिटीज अगर आपको देनी है तो फिर इतना तो है। अच्छा, काफ़ी स्कूल्स जो मैंने बताया आपको कि 15,000 या 17,000 जिनकी फ़ी है एक बच्चे की, उनके पास तो ऐसी कोई फैसिलिटी भी नहीं है कि वो कोई एसी में बच्चों को रखे में हो, या ऐसी कोई बात हो कि आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने कुछ बच्चों को ऐसा प्रोवाइड कर दिया हो जो और जगहों पर नहीं है, ऐसी कोई फैसिलिटी। बल्कि मैं तो ये भी सुनती हूँ कि अब जब गर्मियाँ थी और बिल ज्यादा आ रहे थे या जो भी मसाइल थे, तो बच्चों के मुख्तलिफ स्कूल्स में लंच आवर्स में उनके पंखे बंद कर दिए जाते थे लॉबीज के और हर जगह के, तो ऐसा तो कोई मनमानी कर रखी थी अपनी। चंद ये स्कूल हैं जिन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक, और उनका ये भी कहना होता था जिस पे हमारी काफ़ी बहस हुई है मीटिंग के दौरान, उनके साथ बैठ कर के हमने ये अमल किया है, ये जो कानून बनाया गया है अब जी, जो अब पास होकर आएगा वो उन्हीं स्कूल वालों के साथ बैठ कर बनाया है। अच्छा, उसमें उनको बताया गया है कि आप जो ये कहते हो कि हमारी तो बिल्डिंग 1 अरब रुपये की है, तो ये जुमला आप इस्तेमाल ना करें, बिल्डिंग की क्या कीमत है क्या नहीं है ये एक अलग चैप्टर है। बेशतर स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने एसटी प्लाट मुफ्त में लिए हुए हैं। ओह यस, एग्जैक्टली, हाँ सही बात है। फिर बात आई कि नहीं जी हमारे पास तो स्विमिंग पूल है, तो वहाँ पे भी ये बात आई कि स्विमिंग पूल से क्या मुराद है, आप स्कूल में कमरे में बच्चों को नहीं पढ़ाते, स्विमिंग पूल के अंदर पानी के अंदर पढ़ाते हो? बिल्कुल सही बात, वो तो कोई एक वक्त होता है, कोई एक पीरियड होता है,
हफ्ते में होता है, महीने में होता है, और कुछ लोगों ने जवाज सिर्फ नाम के तौर पे रखा हुआ है, वहाँ होता कुछ नहीं है, इसको जवाज ना बनाया। अच्छा, ये टॉपिक वैसे बहुत वसी है और मुझे बहुत अफसोस है कि आज हम प्लान जिस तरह से कर रहे थे उस तरह से बात नहीं हो पा रही। अच्छा, मैं पेरेंट्स से कुछ बात करना चाहूंगा। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया, एक मिनट के अंदर अंदर उनको ये मालूम होना चाहिए कि तमाम स्कूल को पाबंद कर दिया गया है। आपको किसी स्कूल के साथ कोई शिकायत हो तो डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध से आप रابطہ करें, जो कि उर्दू बाजार में उनका दफ्तर है। स्कूल को पाबंद कर दिया गया, वो अपनी मर्जी से फीस में इजाफा नहीं कर सकते। कोई स्कूल एक मुश्त तीन महीने की फीस नहीं ले सकता। किसी भी स्कूल में एडमिशन फीस वो अपनी मर्जी से अब नहीं रख सकते, भले वो स्कूल जितना बड़ा भी क्यों ना हो। ठीक है, हम एक काम ये करते हैं कि आज तो ये आपके लिए एक ट्रेलर की सूरत में प्रोग्राम गया है। जैसे ही अभी बाकी स्कूल भी खुल जाते हैं अगस्त के महीने में, हम ये सेशन दोबारा रखते हैं, भरपूर रखते हैं और इस पर डिस्कशन करेंगे। एक जाते जाते आपसे आखिरी चीज़ें अगर आप बताना चाहें कि आपके ख्याल में एक एवरेज कैम्ब्रिज स्कूल की फ़ी कितनी मुनासिब रहती है आज के दौर में? मेरे ख्याल में 7 to 8,000 में हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल। हाँ, और मेरे ख्याल में इतना माँ बाप भी डाइजेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये सेशन हमें आगे भी कंटिन्यू करना है क्योंकि बिल्कुल तसल्ली और तशफ़ी नहीं हुई है। इस वक्त हम आपसे विदा ले रहे हैं, लेकिन बहुत सी अच्छी बातें इन्होंने बताई और होपफुली इतने दिनों में और चीज़ें मटेरियलाइज होंगी, उनकी जजमेंट आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। विद दैट आप अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।